हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरआरबी की नोटिफिकेशन आ गई है ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल वन की। तो जो बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम वीडियो लेके आए हैं, कैसे आप कम टाइम के अंदर लेस टाइम में आप कैसे मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। अब आपके पास टाइम लिमिटेड बचा हुआ है। प्री के लिए अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 60 डेज बचे हुए हैं अभी आपके पास, जो नोटिफिकेशन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग। और मेंस के लिए अगर हम बात करें तो मेंस के लिए हमारे पास लगभग 60 प्लस अराउंड 100 डेज है, थोड़ा 3 मंथ से थोड़े से ज़्यादा दिन है, ठीक है ना। तो हमको अब ये देखना है कि किस तरह से हम प्रिपरेशन करें ताकि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो सके। और जो हम आज आपको मेथड में आपको बता रहा हूँ, जितनी भी आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो सब चीज़ें प्रूव है मेरे एक्सपीरियंस से हैं, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मैंने ये टेक्निक्स बताई हुई हैं और बहुत सारे बच्चों ने इसको यूज़ करके सिलेक्शन भी लिया है। मैंने खुद आरआरबी ऑफिसर स्केल और आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट दोनों का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। तो मैं आपको जो टेक्निक्स बता रहा हूँ उनको आप अगर बाय हार्ट फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या क्या देखेंगे, पहले ये देखते हैं एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है हमारे पास। उसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस कट ऑफ्स क्या रही हैं, थोड़ा सा जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि किस हिसाब से एग्ज़ाम आता है, किस हिसाब से उसका डिफ़िकल्टी लेवल होता है, किस हिसाब से हमको सॉल्व करना है, कितने मार्क्स हमको टारगेट करने हैं। देखो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के अंदर दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या होता है ना, एक तो आपको हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको टारगेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको टारगेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि कट ऑफ जो जाती हैं अराउंड, अगर मेंस की आप बात करो तो 200 में से अराउंड, अगर ऑफिसर की बात करोगे तो 85 से लेकर लगभग 100-102 तक जाती है। तो देखो 200 में से लगभग 100 नंबर है ना, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको टारगेटेड पढ़ना है, सब कुछ सॉल्व नहीं करना। आपको ये देखना है कि आप क्या क्या सॉल्व कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते सॉल्व, क्या करना है और क्या छोड़ना है। कंपटीशन में उसी का सिलेक्शन होता है जिस बच्चे को ये पता होता है कि मुझे क्या करना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि आप जानते हो कि हर साल बच्चे हमारे बढ़ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, और जब से ये हमारा कोविड वाला केस हुआ है, कोरोना का जो हुआ है, उसकी वजह से जो प्राइवेट जॉब में थे, कईयों की प्राइवेट जॉब जा चुकी है, वो भी सब गवर्नमेंट की तरफ आ रहे हैं। और आगे आगे जो बच्चे हैं जो प्राइवेट की तरफ जाना चाहते थे वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो कंपटीशन का कहने का मतलब क्या है, कंपटीशन आपका डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ नहीं हो रहा, और बढ़ेगा ही। अनएम्प्लॉयमेंट आप जानते हैं हाईएस्ट पे है, पीक पर है अपने अनएम्प्लॉयमेंट, तो कंपटीशन आपका बढ़ना ही बढ़ना है। जितनी भी आपकी जॉब्स निकलने वाली आगे गवर्नमेंट की, आपका कंपटीशन हाई जाना है बहुत, और कट ऑफ्स हाई जानी ही है। क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा होंगे, बच्चे ज़्यादा कंपटीशन में होंगे, तो उस हिसाब से उनकी कट ऑफ्स भी राइज करती हैं, ठीक है ना। तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि मैक्सिमम मार्क्स आपको कोशिश करना है कि मैं ले सकूं, ठीक है। तो देखो दो चीज़ें कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए आपको पढ़ने के लिए, एक स्ट्रेटजी ज़रूर बनानी पड़ेगी आपको। विदाउट स्ट्रेटजी आप सोचोगे कि मैं ये भी ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, इस तरह कैसे नहीं हो पाएगा। अब आपके पास टाइम एक लिमिटेड बचा है, IBPS RRB की मैं बात करूँ तो एक लिमिटेड टाइम बचा है, और करने के लिए बहुत कुछ है ना। आप जानते हैं 5 सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए आपके पास, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, GK, 5 आपके पास सब्जेक्ट हैं, लेकिन टाइम आपके पास उतना नहीं है। तो आपको देखना है कि मैं किस तरीके से उसको यूटिलाइज करूँ। हमने एक पूरा एक प्लान बनाया है, आप बस इस कुछ मत सोचो, सिर्फ इस प्लान को आप करना शुरू कर दो आज से ही, और आप देखना आपका सिलेक्शन बहुत आराम से होगा आप बाय हार्ट अगर इसको फॉलो करोगे तो। गारंटीड सिलेक्शन होगा अगर आप इसको बाय हार्ट फॉलो करोगे तो, गारंटीड सिलेक्शन। क्योंकि हमने इसके अंदर जो टेक्निक्स बताई हुई है मैंने बहुत सारे बच्चों पे अपनाई हुई हैं, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, और बहुत इसका बहुत सक्सेस रेट हाई है, ठीक है। तो कट ऑफ देख लिया हमने, एनालिसिस करेंगे कि पिछले साल क्या क्वेश्चंस आए थे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे, DI से कितने थे, नंबर सीरीज कितने थे, पजल कितने थे, क्या आपको पढ़ना है इस हिसाब से।
उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट को हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है। उसके बाद कुछ एक नए पैटर्न के क्वेश्चन भी हमको दिखे थे जो हमें 2-3 साल से लगभग दिख रहे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट देखेंगे किस तरह से आपको पूरा जो आपके पास पूरा दिन है, अच्छा ये जो आपके पास प्लान है ये एक और चीज़ है नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए, जो जॉब नहीं करते हैं, जो जॉब नहीं करते उन वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर कोई कहीं पे प्राइवेट जॉब या किस तरह की जॉब करता है तो वो इस प्लान को फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए पूरे दिन में, ठीक है ना। तो मैं वर्किंग के लिए भी एक वीडियो लाऊंगा लेकिन अभी ये नॉन वर्किंग के लिए है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी वर्क नहीं करते हैं वो बच्चे इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट देखेंगे हम, उसके बाद स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है अगर आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालना है, कॉम्पिटिशन में और एक नॉर्मल एग्जाम्स में बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम अगर आपको निकालना है तो आपको दो चीज़ें जरूर, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि मुझे स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पे या हार्ड वर्क करना है। तो वो हम सिखाएंगे किस तरीके से आप क्या करना है कैसे करना है। अच्छा एक हम देखेंगे रियलिस्टिक अप्रोच टू एग्ज़ाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमारे आज के वीडियो की है। इसमें हम क्या देखेंगे कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कौन से टॉपिक के किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं, कौन से आपको छोड़ने हैं, कितना आपको टाइम देना है हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है एग्ज़ाम में, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे आज, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न से कि हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न होता क्या है। ये पूरी वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, मेरा हर एक वर्ड आप ध्यान से सुनना, मैं आपको बीच में कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताता रहूँगा जो आपके बहुत काम में आने वाली है। माइंड क्लॉक, जैसे कि जिसने ना सुना उसको हम बताएंगे माइंड क्लॉक क्या होता है ना। और डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग का क्या रोल है एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको, आप ये मान के चलो 15-20 लाख से भी ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, 15-20 लाख बच्चों को आपको डिफ़ीट करना है, उनको आपको पीछे छोड़ना है, उसके बाद आपको लगभग 5-8 हज़ार लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, 5 से 8 हज़ार, तो आप देख सकते हो परसेंटेज कितना कम है। तो इन 5 से 8 हज़ार बच्चों में आने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर देना पड़ेगा, अपना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर देना पड़ेगा आपको अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो वही एक्स्ट्रा हम देखेंगे किस तरीके से आप दे सकते हो कम टाइम में, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है ना, इस चीज़ को समझना, आपको टाइम लिमिटेड है। चलो एग्ज़ाम पैटर्न देखना शुरू करते हैं हम। तो पहले मैं बात करता हूँ इसकी, पहले हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी ऑफिस असिस्टेंट की, जो हमारा आपको पता है दो एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस, ये एग्ज़ाम होते हैं हमारे ऑफिस असिस्टेंट में। ऑफिस असिस्टेंट क्या है, क्लेरिकल ही है, ऑफिस असिस्टेंट के अंदर नाम दिया गया उसका मतलब क्या है, क्लेरिकल। जब आप बैंक में जाते हो ना, बैंक में जो पैसे जमा कर रहा होता है, एफडी बना रहा होता है, वो सब काम किसका होता है, क्लेरिकल का, ऑफिस असिस्टेंट का। एक होता है ऑफिसर स्केल वन, बैंक के अंदर क्या होता है स्केल वन, सबसे छोटा ऑफिसर, उसके ऊपर स्केल टू, उससे बड़ा, फिर स्केल थ्री, स्केल फोर, स्केल के हिसाब से ऑफिसर्स होते हैं बैंक में। तो ऑफिसर स्केल में भी क्या होता है, प्री मेंस, इसमें इंटरव्यू भी आ जाता है। हमारा जो ऑफिस असिस्टेंट है उसके अंदर हमारा इंटरव्यू नहीं आता है, ऑफिसर स्केल वन में इंटरव्यू आ जाता है, ठीक है ना। बेसिक डिफरेंस तो ये हुआ, और ऑब्वियस ही बात है ऑफिसर है तो वो सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा होगी, काम का प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ऑब्वियस बात है ऑफिसर स्केल वन में काम का प्रेशर काफ़ी होता है। और जैसा कि उसने लिखा हुआ है ना, इस बार आप अगर नोटिफिकेशन पढ़ोगे उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो बच्चों के पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट थे उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। वो क्यों लिखा है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, कई बच्चे इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है, कई फेसबुक पे कमेंट्स पड़े हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जब आप ऑफिसर स्केल वन बनते हो, स्केल वन, तो वो लोग आपको फील्ड ऑफिसर होता है एक बैंक में ना, फील्ड ऑफिसर, मैं खुद बैंक से हूँ इसलिए मुझे सब कुछ पता है बैंक के बारे में, फील्ड ऑफिसर होता है आपको, या तो फील्ड ऑफिसर बना सकते हैं किसी छोटी ब्रांच में, या आपको उसको असिस्ट करने के लिए भेज सकते हैं। तो फील्ड ऑफिसर का काम ज़्यादातर एग्रीकल्चर, अगर एग्री ब्रांच आपको मिल गई एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उसका काम एग्रीकल्चर का होगा ज़्यादा, तो वहाँ पे आपकी वो नॉलेज काम आ सकती है, इसलिए उन्होंने लिखा है प्रिफरेबली। लेकिन उससे कोई
फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपका इंटरव्यू अच्छा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो क्या है, प्रीलिम्स की बात करें ऑफिस असिस्टेंट के, तो रीजनिंग आता है और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि क्या है, क्वांटिटेटिव, क्वांट्स कुछ नहीं है, नाम चेंज कर दिया, क्वांटी है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, कंफ्यूज मत होना। 40 क्वेश्चन दोनों के आते हैं, 40-40, और टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स 40-40-80, मतलब एक क्वेश्चन एक मार्क का, ठीक है। टोटल टाइम कितना है, 45 मिनट्स। अब देखो 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं, 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस, इसका मतलब क्या, आपको देखते समझ जाना, मेरे को स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड आपको जरूर ही बढ़ानी पड़ेगी। कोई भी कॉम्पिटिशन आप दो, चाहे बैंक का दो, SSC दो, रेलवेज दो, इंश्योरेंस एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो आप, आपको स्पीड उसके अंदर आपको बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि हर एक एग्जाम्स के अंदर इतना टाइट शेड्यूल कर दिया है कि पहले एक घंटा मिलता था, फिर 45 मिनट्स कर दिए। देखो तो ऐसे ऑफिसर स्केल में भी प्रीलिम्स में क्या है, प्रीलिम्स का सेम है 40-40 क्वेश्चन और 40-40 मार्क्स के, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। मेंस की बात कर रहे हैं हम अगर ऑफिस असिस्टेंट की, तो उसमें भी पांच सब्जेक्ट रहेंगे आपके, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी में से आप एक चूज कर सकते हैं, या तो आप इंग्लिश जब आप फॉर्म भरेंगे उसके अंदर ही चूज करना पड़ेगा, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी। और पांचवा न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्या है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। अच्छा, लेकिन इसके अंदर क्या है, जो आपका प्रीलिम था उसके अंदर एक क्वेश्चन एक मार्क का था, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, जो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन सबके 40-40 हैं, लेकिन जो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन हैं वो 50 मार्क्स के हैं, और अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूँ वो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, है ना। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 1.25 मार्क्स का। तो आपको एग्जाम में पहले स्ट्रेटेजी आपको अपने दिमाग में क्या बना लेनी है, मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन रीजनिंग और क्वांट से जो है करने हैं, अटेम्प्ट्स करने हैं, किससे, रीजनिंग से और क्वांट से। अच्छा, रीजनिंग और क्वांट से करने का एक फायदा तुमको दिख ही गया, 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। दूसरा फायदा क्या है, जब आप रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करके उसका आंसर निकालते हो तो आपको ये पता होता है शॉर्ट कि मेरा आंसर सही है। वो चीज़ आपकी इंग्लिश और जीके में थोड़ी नहीं हो पाती, जीके में फिर भी आप कर सकते हो, इंग्लिश के अंदर बहुत कम हो जाती है वो चीज़। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में आपको कंफर्म नहीं होता है कि जो आप आंसर टिक कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन क्वांट्स में, रीजनिंग में आप बिल्कुल कंफर्म हो सकते हो कि जो मैं आंसर लगा रहा हूं, जो मैंने आंसर निकाला है वो ठीक है, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, इसका मतलब एक क्वेश्चन कितने का हो गया, हाफ मार्क्स का, 0.5 मार्क्स का। ऐसी जनरल नॉलेज के अंदर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, तो एक क्वेश्चन एक मार्क्स का ही है। इंग्लिश के अंदर भी 40-40 मार्क्स के, तो एक क्वेश्चन एक मार्क का। ऐसी हिंदी में है सेम। अगर ऑफिसर स्केल की बात करें, पैटर्न बिल्कुल सेम है, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रीजनिंग में, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। देखो ऑफिस असिस्टेंट के अंदर इसको न्यूमेरिकल एबिलिटी का, और ऑफिसर स्केल वन में से क्या का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। क्यों का? न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ा सा ईजी होता है एज कंपेयर टू क्वांट्स, क्वांट्स के कंपेयर में न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ा इजी होता है, इसलिए जब हम ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम देंगे, क्लरिकल का एग्जाम देंगे, उसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इजी रहेंगे, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे वो जीके के हो, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो न्यूमेरिकल एबिलिटी के हो। लेकिन जब आप ऑफिसर स्केल वन का एग्जाम देंगे तो जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से हार्ड रहेंगे, ठीक है ना। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड इसलिए इसको यहाँ पे कहा जाता है, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन इसमें हार्ड होते हैं। बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम है, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जीके के अंदर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश और हिंदी में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। ये हमारा पैटर्न है। टाइम कितना मिल रहा है, 2 आवर्स। 2 आवर्स के अंदर आपको कितने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, 200। फिर से देखो कितनी स्पीड आपको जरूरत है ना यहाँ पे भी, तो मेनली क्या देखना आपको, स्पीड। चलो नेक्स्ट चलते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलो अच्छा, अब हम बात करते हैं जरा यहाँ पे कि हमारे पास क्या क्या डेट्स हैं। जो हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है वो 1 जुलाई से शुरू हुआ है और 21 जुलाई तक रहने वाला है। आप जो फॉर्म भर सकते हो वो 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हो, पेमेंट भी आप 21 जुलाई तक कर सकते हो। प्री एग्जाम ट्रेनिंग, अच्छा इस बार यहाँ पे डॉट लगाया है प्री एग्जाम ट्रेनिंग के आगे,
क्यों लगाया? क्योंकि आप जानते हैं कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से इस साल हो सकता है कि ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग ना हो। आप अगर नोटिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें लिखा भी हुआ है कि इट मे बी, तो इसका मतलब हो सकता है कि एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ना हो। प्री एग्जाम ट्रेनिंग दी जाती है जो स्टूडेंट एससी एससी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोगों को प्री एग्जाम ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो इस साल हो सकता है वो ना हो, ठीक है। अच्छा, प्रीलिम के लिए आपका कॉल लेटर कब तक आ जाएंगे? इनके हिसाब से अगस्त तक। अब अगस्त का मतलब या तो 1 अगस्त भी हो सकता है और 30 अगस्त 31 अगस्त भी हो सकता है, ठीक है ना। एग्ज़ाम कब कराएंगे? सितंबर से अक्टूबर के बीच में। हम ये मान के चलेंगे हमारा एग्ज़ाम सितंबर के अंदर होता है। जुलाई से आपके फॉर्म भरना शुरू होगा, 1 जुलाई से आपको पता चल गया एग्ज़ाम है, तो आपको तैयारी कब से शुरू करनी थी? 1 जुलाई से ही, ठीक है। मेरे को वीडियो बनाने में थोड़े 2-3 दिन लेट हो गया, क्यों? उस वजह का रीज़न ये है, मैं कोई भी वीडियो बनाने से पहले उसको पूरी रिसर्च करता हूँ, है ना। और जो मेरा मेथड था उसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस करके उसको पूरा बनाया है ताकि आपको पूरा उससे फ़ायदा हो सके, आपको सक्सेस मिल सके। हमारा जो उसका मोटिव है वीडियो का, वो सिर्फ ये है कि आपको सक्सेस मिल सके एग्ज़ाम में, आप एग्ज़ाम क्लियर कर सको, ठीक है। तो 1 जुलाई से आपको तैयारी शुरू करनी थी, पूरा जुलाई आपके पास है अभी, पूरा अगस्त आपके पास है, और सितंबर में हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा कम से कम भी आप सितंबर में, वैसे बहुत रेयर चांस है मैं आपको बता दूं, ओनली 30% चांस है कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में होगा, वरना अक्टूबर तक जाना ही जाना है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से बहुत स्कूल नहीं खुल रहे, कॉलेज नहीं खुल रहे, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुल रहे, तो आप सोच सकते हैं एग्ज़ाम होना भी एक सितंबर के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, अक्टूबर तक जाएगा। लेकिन क्योंकि सितंबर लिखा है, हम अपना जो प्लान है वो सितंबर के हिसाब से बनाया है, और मैंने तो 1 सितंबर के हिसाब से ही बनाया है, लेकिन आप ये मान के चलो अराउंड 15 सितंबर तो जाना ही जाना है। तो पूरा जुलाई पूरा अगस्त अराउंड आपको 60-62 डेज तो ये हो गए, प्लस 15 दिन ये हो गए 75, लेकिन हमने जो एग्ज़ाम का अपना जो बनाया है वो 60 डेज के हिसाब से ही बनाया है ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। 60 दिन के हिसाब से आप प्रिपरेशन करो, 75 चला जाता है। सपोज करो 60 दिन के आप ये मान के चलो मेरा एग्ज़ाम 1 सितंबर को है, अब वो 15 सितंबर हो जाता है तो आपको 15 दिन और मिल गए, 1 अक्टूबर हो जाता है तो 30 दिन मिल गए, 15 अक्टूबर हो जाता है तो 45 दिन मिल गए, है ना। तो उस हिसाब से आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं जो हम आपको बताएंगे। इन्होंने रिजल्ट लिखा है अक्टूबर में आ जाएगा, अक्टूबर के बाद जो आपका डाउनलोड होगा कॉल लेटर मेन के लिए वो होगा अक्टूबर नवंबर में, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी कब लेंगे? अक्टूबर नवंबर में, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो अक्टूबर तो आप जहाँ तक भूल जाओ नवंबर में ही जाएगा, लेकिन हम अक्टूबर लेके ही चलेंगे। तो अगर मैं 60 डेज उसकी बात कर रहा हूँ तो अराउंड मेरे पास 40 डेज और रहेंगे उसके लिए, मेन्स एग्जाम्स के लिए, है ना। 60 डेज प्री के लिए मान के चल रहे हैं हम, प्लस 40 डेज मेन्स के लिए, ठीक है। तो इंटरव्यू वगैरह भी आप देख सकते हैं, जनवरी 21 में उन्होंने लिखा है अलॉटमेंट हो जाएगी। टाइम पे आपको पता है इतना टाइम पे तो कभी होता नहीं है एग्ज़ाम, स्टिल जो हमने लिख जो उन्होंने लिखा है हम उस हिसाब से ही मान के चलेंगे। चलो अच्छा, एक चीज़ और जो हम प्रिपरेशन करेंगे वो प्री प्लस मेंस, प्री प्लस मेंस की एक साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको आपने प्री दिया, आपको लगता है आपका प्री क्लियर हो जाएगा, तो प्री देने के बाद आपके पास लगभग 40-45 डेज होंगे, तो उसके अंदर पूरी मेंस की तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले आप खाली प्री की तैयारी करो और फिर मेंस की। हाँ, आप ये चीज़ कर सकते हो कि जब तक प्री हो रहा है, जब तक आप ज़्यादा टाइम जो है ना आपके प्री के अंदर आपका सिर्फ रीजनिंग और क्वांट्स आना है, तो आप ज़्यादा टाइम रीजनिंग और क्वांट्स को दो, ये चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन आप ये सोचो कि मैं सिर्फ प्री की तैयारी करूं, ऐसा मत करना, बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। जब आपका प्री क्लियर, आपको पता चल जाएगा मेरा प्री क्लियर हो सकता है, तब आपको बात, क्योंकि प्री क्लियर होने के बाद भी आपको क्वांट्स और रीजनिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, क्योंकि उसके बाद तो वो और ज़्यादा मार्क्स का हो गया, तो आपको प्रिपरेशन साथ में करनी है। चलो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कट ऑफ्स के बारे में। कट ऑफ्स बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है बच्चों का कि क्या कट ऑफ्स गई। चलो पहले हम बात करते हैं स्केल 1 की, ऑफिसर स्केल 1। ऑफिसर स्केल 1
तो अगर मैं इसके 2019 के प्री की बात करूं तो जो मेरे पास, मैं पहले हम देखता हूँ हाईएस्ट कट ऑफ मेरी गई उत्तराखंड की, उत्तराखंड की हाईएस्ट कट ऑफ गई 65 आउट ऑफ 80, 65 आउट ऑफ 80। आप सोच सकते हो 65 आउट ऑफ 80 प्री की कट ऑफ। हाँ ये हाईएस्ट है, मैं आपको एक सिर्फ बता रहा हूँ हाईएस्ट है। अच्छा असम की गई लोएस्ट कितनी गई, 41.50। ठीक है ये तो बात हुई हाईएस्ट लोएस्ट की। अच्छा एवरेज की अगर हम बात करें, जो आपको पता है ना ये जो आरआरबी का एग्ज़ाम होता है ये स्टेट वाइज होता है, हर स्टेट की अलग कट ऑफ जाती है हर एक स्टेट की, है ना। तो यूके की इस बार हाईएस्ट गई थी 19 में और असम में लोएस्ट गई थी। एवरेज अगर आप बात करोगे तो अराउंड आपको मिलेगी 55 to 62, 55 to 62। तो देखो आप कितनी हाई कट ऑफ हो रही हैं, ठीक है ना, 55 to 62 प्री की बात करी है हमने। और यही मैं अगर बात करूं मेंस की, मेंस की बात करूं अगर, तो हाईएस्ट फिर से कहा गई उत्तराखंड में कितनी गई थी, 102.81 आउट ऑफ 200। उत्तराखंड में कितनी गई थी, 102.81 आउट ऑफ 200। अच्छा लोएस्ट किस में गई थी, महाराष्ट्र में कितनी गई थी, 54.75 लोएस्ट, महाराष्ट्र में गई थी लोएस्ट कितनी गई थी, 54.75। ठीक है तो आप देख सकते हैं। और इसकी अगर मैं एवरेज की बात करूं तो मेरे पास जो एवरेज था वो था 75 से लेकर 90 तक, ठीक है 75 से लेकर 90 तक मेरा एवरेज था। तो ये कट ऑफ देख के आप क्या कर सकते हो ना, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मेरे पास, तो ये कट ऑफ देख के आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। आप इस कट ऑफ के हिसाब से एग्जाम बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्यों, ये सिर्फ आपको एक आइडिया दिखा रही है कि पिछली बार इतनी कट ऑफ गई थी। हो सकता है पिछली बार एग्जाम थोड़ा आसान हो या मुश्किल हो, इस बार अगर पिछली बार मुश्किल था इतनी कट ऑफ थी, सपोज करो इस बार थोड़ा आसान आ गया तो कट ऑफ बढ़ जाएंगी। तो आप ये मत सोच करना कि मुझे अगर मेरी 102.81 हाईएस्ट गई थी तो अगर मैं 110 नंबर का कर दूंगा तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, नहीं। वो आपका डिपेंड करेगा लेवल पे, एग्ज़ाम का लेवल क्या है। अगर एग्ज़ाम का लेवल हाई हो गया तो 102.81 हो सकता है 130.81 भी बन जाए, ठीक है ना। तो लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें कितने बच्चे कितने मार्क। सपोज करो उनको अगर 5,000 बच्चे सिलेक्ट करने हैं तो जो 5,000 बच्चों का जो एवरेज मार्क्स आए वो अगर 130 से ऊपर आए तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो कट ऑफ है वो 130 के अराउंड चली जाएगी ना भाई। इनको बच्चे तो 5,000 ही लेने हैं ना, तो इस हिसाब से बच्चे लेंगे कि जिनकी कट ऑफ, जिनके मार्क्स 130 के अराउंड हो, तो आपकी कट ऑफ कितनी हो जाएगी, 130। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो डिपेंड करती है कट ऑफ वो किस पर करती है, आपके एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर, ठीक है। बस ये हम एक आइडिया ले रहे हैं कि हाँ अगर इतनी कट ऑफ गई हैं इसके अराउंड, अगर मैं थोड़ा, अगर आपको एग्ज़ाम का लेवल देख के पता चल जाएगा कि ये मुश्किल है या इजी है, आप जैसे सॉल्व करोगे, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, है ना, ये सब कट ऑफ वगैरह तो बात की बात है, जब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं है जब तक ये कट ऑफ कुछ फ़ायदा नहीं देने वाली है आपको। जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो ये कट ऑफ वगैरह तो अपने आप ही आपकी निकलेंगी। प्रिपरेशन अच्छी करो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। अच्छा चलो मान बात करते हैं हम क्लैरिकल की। क्लैरिकल में क्या सिनेरियो था, बात करें अगर हम हाईएस्ट की और प्री की, प्री की अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो पंजाब ने इसके ऊपर टॉप किया। पंजाब के अंदर आप थोड़ा शॉक हो जाएंगे, 77.50 आउट ऑफ 80, 77.50 आउट ऑफ 80 ये कट ऑफ थी पंजाब की, ठीक है ना। लोएस्ट की अगर मैं बात करूं तो 58.50 जो की थी झारखंड की, जो आपकी कट ऑफ होती है वो स्टेट वाइज होती है ना, तो पंजाब की हाईएस्ट थी और झारखंड की लोएस्ट थी। एवरेज की बात करूं तो 65 से 74 आपका एक एवरेज था, एवरेज जो स्टेट्स की थी सारी मिला के वो लगभग 65 से 74।
मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेंस का लगभग जो एवरेज था 115 से 125, इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना ही जानते हैं लगभग इतना हमारा एवरेज था, ठीक है ना। क्योंकि हमको कट ऑफ से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, बस एक थोड़ा सा आइडिए के लिए है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा ये इम्पॉर्टेंट है, क्या एनालिसिस, कितने कितने क्वेश्चन आपके थे। अगर मैं ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लेरिकल की बात करूं प्री की, तो आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चन थे, इजी थे, जो कि नंबर सीरीज से 5 थे जो कि इजी से मॉडरेट थे। मतलब इजी से मॉडरेट का मतलब क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन इजी रहे होंगे, 1-2 क्वेश्चन थोड़े से उससे अच्छे रहे होंगे। अर्थमेटिक जिसके अंदर आपका सब कुछ आ जाता है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ये सब चीज़ें जिसके अंदर आ जाती हैं, वो आपका 10 मार्क्स का था, इजी से मॉडरेट ही था आपका। सिंप्लीफिकेशन की मैं बात करूं 10 मार्क्स की थी, इजी थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 थे। डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं 10 ही क्वेश्चन थे, इजी थे, 40 क्वेश्चन आए, इजी, एग्जाम का लेवल क्या था, इजी, इसलिए ही इतनी हाई कट ऑफ्स गई, ठीक है ना। अब आप देख लो, अगर आपका एग्जाम ईजी आ गया तो लगभग लगभग इतनी कट ऑफ जाएंगी, मुश्किल आ गया तो इससे कम हो जाएंगी कट ऑफ। रीजनिंग की बात करें, क्योंकि प्री के अंदर खाली क्वांट्स और रीजनिंग आता है ना, तो ये रीजनिंग की है। रीजनिंग में क्या था, मात एक दो टॉपिक से, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट से कितने क्वेश्चन थे, 21 क्वेश्चंस फ्रॉम ओनली 2 टॉपिक्स, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। इसको करने का तरीका क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। रैंकिंग 4 क्वेश्चन बहुत इजी जो होती है, देखो इजी थे। इनइक्वालिटी 5 बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्शन सेंस 3 बहुत इजी होता है टॉपिक। ऑड वन आउट 1 क्वेश्चन इजी था। कोडिंग डिकोडिंग 1 क्वेश्चन इजी था। सिलॉजिज्म 5 क्वेश्चन जो कि इजी थे। आप जानते हैं हमारे चैनल की पहचान क्या है, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, ये सब टॉपिक हमने इतने अच्छे तरीके से करे हुए हैं। अगर आपने मेरी वीडियो से सिलॉजिज्म कर रखा है तो मात्र 2 से 3 मिनट, ये भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो 2 मिनट के अंदर आप 5 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से पेन भी उठाने की जरूरत ना पड़े, जिस लेवल के आपके प्री में पूछे जाते हैं ना उस लेवल के लिए आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, गारंटेड। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हुई सिलॉजिज्म की, 5 के 5 क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ना विश्वास हो, आप पहले सिलॉजिज्म का कॉन्सेप्ट मेरी वीडियो से पढ़ो और किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपको पेन उठाने की जरूरत पड़े सिलॉजिज्म के अंदर, सेम केस इनइक्वालिटी के अंदर, सेम केस रैंकिंग के अंदर। रैंकिंग हमारी वीडियोस के अंदर डला हुआ है, देख सकते हो आप। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट का मैंने आपको मेथड बताया हुआ है इतने इजी मेथड से करने के लिए, ठीक है ना। बाकी ये जो 2-3 टॉपिक बचे, ये भी मैं जल्दी कोशिश करूंगा आरआरबी एग्जाम से पहले डाल दूं, ताकि आपको प्रिपरेशन आराम से हो सके। मेंस की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये मेरा क्वांट्स का है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको कहा है, ये मेरा रीजनिंग है और ये मेरा इंग्लिश है। बाकी कंप्यूटर के अंदर तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बेसिक कंप्यूटर अगर आपने पढ़ी हुई आराम से कर लोगे, और नहीं तो हम 10 से 20 दिन उसको देंगे पढ़ने के लिए, आप उसको तैयारी कर सकते हैं। जीके की अगर मैं बात करूँ, अराउंड 32-35 क्वेश्चन हमारे सिर्फ करंट अफेयर्स से थे। सिर्फ करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन थे, 32-35, ठीक है ना। और बाकी क्वेश्चन कहाँ थे, स्टैटिक जीके से। तो क्वांट्स की बात करें, डाटा इंटरप्रिटेशन सिंगल टॉपिक से 20 क्वेश्चन है, सिंगल टॉपिक से 20 क्वेश्चन, ये एक नया टाइप के हमारे पूछे जाने लगे 1-2 साल से, क्वांटिटी 1 को क्वांटिटी 2 से कंपेयर करना। 5 क्वेश्चन थे, इजी से मॉडरेट थे। अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट कर रखे हैं अरिथमेटिक के, तो आप बहुत ईजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने नहीं कर रखे हैं तो आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो बहुत इजी तरीके से आप इनको सॉल्व कर पाओगे। मिसलेन क्वेश्चन आ गए, जिसमें ट्रेन बेस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, ये सब चीज़ें जो हैं आपके मिला के 15 मार्क्स की हैं। टोटल क्वेश्चन 15 मार्क्स की नहीं, 15 क्वेश्चन
टोटल क्वेश्चन 40, मार्क्स कितने हैं 50। रीजनिंग के अंदर देखो, फिर से देखो, प्री में तो आपने देखा ही था सिटिंग अरेंजमेंट और पजल कितने मार्क्स के थे, कितने क्वेश्चन थे, अराउंड 21 है ना, 21 क्वेश्चन थे। इसकी मैं बात करूँ 24 क्वेश्चन, 40 में से 24 क्वेश्चन सिर्फ दो टॉपिक्स हैं, तो आप जान सकते हो अब इस टॉपिक की वैल्यू। मतलब अगर आप ये टॉपिक और दो तीन टॉपिक और कर लो, सिलॉजिज्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, सिलॉजिज्म और इनइक्वालिटी वगैरह, तो प्री तो आपका डायरेक्ट क्लियर है, कुछ करना ही नहीं। और मेंस के अंदर भी 24 क्वेश्चन आपके सिंगल टॉपिक से, दोनों से, डायरेक्शन बेस्ड जो कि पहले भी आया था 3 नंबर का, इसमें भी आया है। अल्फ़ाबेट बेस्ड जो कि बहुत ईजी होता है, 1 नंबर का आया हुआ है। नंबर बेस्ड 1 नंबर का। कोडिंग डिकोडिंग 5, कोडिंग डिकोडिंग भी एक ईजी टॉपिक है, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको अपना कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करना पड़ेगा और कुछ नहीं। रैंकिंग 3 मार्क्स की बेस्ड ऑन डायरेक्शन पे। रैंकिंग की हमने 2 से 3 वीडियो डाली हुई है, आप देख लेना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। किसी भी बुक से, कोई भी बुक से आप क्वेश्चन उठा के कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। हमारे चैनल का जो मोटो है ना, सिर्फ इतना है कि हम आपको क्वालिटी दें, क्वांटिटी, क्वालिटी दें हम, क्वांटिटी से ऊपर हम मानते हैं क्वालिटी को। अगर आपको एक वीडियो या दो वीडियो के अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से मिल रहा है तो वो अच्छा है ना। ये नहीं ना कि मैं हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक मेथड अलग से बताऊं। हमारी वीडियोस के अंदर आपको ये चीज़ और दिखेगी, काफ़ी सारे क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं मैथ्स के, खाली क्वांट्स के खासकर, हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले पे नहीं। हर एक क्वेश्चन के अलग फॉर्मूला आप कैसे याद रखोगे, नहीं रख सकते ना, इतना वास्ट टॉपिक है। अभी आपको दिखाऊंगा क्वांट्स में कितने टॉपिक हैं, आप कैसे याद रख सकते हो, नहीं रख सकते। तो हमारे चैनल के अंदर आपको क्वालिटी मिलेगी वीडियोस के अंदर, जितनी भी चीज़ें हैं बेस्ट, हम मेथड जितने अभी तक बने हुए इन चीज़ों के बेस्ट मेथड मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ हमेशा, ठीक है ना। क्योंकि मैं इस फेज से गुजरा हूँ स्टूडेंट वाले, मैं जानता हूँ स्टूडेंट को कहाँ पे दिक्कत होती है, किस जगह पे वो आके अटकता है, किस जगह पे वो क्वेश्चन नहीं कर पाता है सॉल्व, है ना, मेरे को ये बात पता है, तो मैं उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। कई बच्चों को पता है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि मैं ना एक्चुअली आपको पता है कॉलेज में भी पढ़ा चुका हूँ क्वांट्स और एप्टीट्यूड और रीजनिंग वगैरह, काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि उनको रूट लेवल पे क्या दिक्कत आती है। कई बच्चों को आप, मैं जहाँ पढ़ाता था कोचिंग्स में, उनको एक्चुअली में इसका मतलब भी नहीं पता होता था, उनको टीचर क्वेश्चन लिखवा के चले जाते थे, बता देते थे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब डायरेक्ट लिख देते थे इसकी 4 1/3 की वैल्यू, डायरेक्ट लिख देते थे कि 13/3 आएगी, लेकिन एक्चुअली में उनको पता नहीं होता था कि कैसे आएगी, है ना। तो मैंने ये चीज़ देखी थी कि बच्चों को इसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है, बेसिक्स बहुत कमज़ोर रहते हैं ना, तो बेसिक्स ही हम जो है इस वीडियो के थ्रू अपने करते हैं, बेसिक ही बच्चों को सिखाते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूँ थोड़ी, मैं डेली जो थोड़े फाइनेंशियली वीक हैं बच्चे, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, उनको एक फ्री क्लास डेली देता हूँ रोज, है ना। अभी उत्तराखंड में मैं रहता हूँ, उत्तराखंड के अंदर डेली उनको एक क्लास फ्री में मैं देता हूँ, ताकि मेरा जो लाइफ का एम है वो सिर्फ इतना है, फ्री एजुकेशन देना, फ्री एजुकेशन। तो मैं कोशिश करता हूँ जो मुझे आता है मैं उनसे बांट सकूँ, उनको पढ़ा सकूँ। कई सारे बच्चों को मैं फ्री में ही पढ़ाता हूँ और उनमें से कई बच्चे सिलेक्शन भी ले चुके हैं। तो जस्ट ये एक थोड़ा नॉलेज के लिए था और कुछ नहीं, ठीक है ना। कई सारे बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देते हैं ताकि वो पढ़ें और अपना भविष्य बनाएं। अगर आप किसी को कुछ दे सकते हो ना फ्री में, कभी उसे पैसे मत दो। कोई बच्चा आपको दिखता है रोड पे, कभी पैसे मत दो। आप कोशिश करो कि आप कुछ अगर हेल्प इस समाज में, इस सोसाइटी में कर सकते हो तो फ्री एजुकेशन देके, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक बच्चे को भी एजुकेशन देके उसको कुछ बना देते हो तो वो अपनी सारी पीढ़ी आने वाली सुधार देता है। तो चलो आगे चलते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 10, वर्ड स्वैपिंग एक नया टॉपिक आने लगा है उससे 5, क्लोज टेस्ट से 10, सेंटेंस करेक्शन 5, सिंगल वर्ड फिलर्स 5, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको पैरा जंबल भी कहते हैं 5, ठीक है ना। इजी से मॉडरेट ही था एग्जाम मेंस का भी। चलो ये तो हो गई हमारे पास बात ऑफिस असिस्टेंट की, अब हम देखते हैं ऑफिसर स्केल 1 में क्या था हमारे पास सिनेरियो।
डीआई के 12 क्वेश्चन थे प्री में, क्वाड्रेटिक के 6 क्वेश्चन थे। क्वाड्रेटिक अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ सकते हैं, बहुत अच्छा हमने कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं उससे। मिसिंग नंबर सीरीज के 6 क्वेश्चन थे, डाटा सफिशिएंसी के 5 थे, अरिथमेटिक से 11 थे, टोटल 40 थे। मॉडरेट एग्जाम था, एक होता है ईजी, एक होता है मॉडरेट, एक होता है डिफिकल्ट। तो जब भी आप आरआरबी का एग्ज़ाम देंगे तो उसके अंदर आपको डिफ़िकल्ट तो बहुत रेयर ही दिखेगा, नहीं ही दिखेगा, आपको इजी दिखेगा या मॉडरेट दिखेगा। मॉडरेट इजी से थोड़ा सा हार्ड होगा, मॉडरेट होता है। तो ये एग्ज़ाम हमारा मॉडरेट था, इसकी हम बात करें इजी से मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे। फिर से देखो पजल सिटिंग अरेंजमेंट कितने मार्क्स का, 23। अब देख सकते हो कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, मतलब सिंगल सिंगल टॉपिक से 20-25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनइक्वालिटी फिर से मैंने आपको बताया, हमारी वीडियोस देखना आप, सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व होंगे, कुछ और करने की जरूरत नहीं। आप वीडियो देखो, क्वेश्चन लगाओ, कोई क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं मिलेगा जो नहीं सॉल्व हो। 5 कोडिंग डिकोडिंग, 5 ब्लड रिलेशन, 5 अल्फाबेटिकल सीरीज, 2 टोटल 40 ईजी से मॉडरेट। ये बात हो गई प्री की, मेन्स के देखते हैं। डीआई से 22 क्वेश्चन देख रहे हो आप, मतलब कुछ कुछ टॉपिक तो आपके पास ऐसे हैं, डीआई हो गया, नंबर सीरीज हो गया, पजल सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब टॉपिक ऐसे हैं, अगर आप सिंगल सिंगल इन्हीं को बहुत अच्छे से कर लो तो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन यही दिला सकते हैं, अगर आपकी जीके और इंग्लिश स्ट्रांग है तो। क्वांटिटी 1 को क्वांटिटी 2 से कंपेयर करना, जो नया टाइप है वो भी आया हुआ है। 14 क्वेश्चन मिसलेनियस आए हुए हैं, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। अच्छा रीजनिंग की बात करें, इजी लेवल का एग्ज़ाम था। सिटिंग अरेंजमेंट पजल से 16, इनइक्वालिटी 5, सिलॉजिज्म 5, ये तीनों टॉपिक हमने अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। मशीन इनपुट भी मैंने बहुत अच्छा तरीका आपको बताया हुआ है, जिस लेवल का आपको आरआरबी के अंदर मिलेगा वो हमने बिल्कुल अपने वीडियोस में डाला हुआ है, आप उसको पढ़ के कोई आरआरबी का खासकर कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अल्फाबेट बेस्ड का 1 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 3 और डायरेक्शन सेंस के 5। तो डायरेक्शन सेंस भी आप देख रहे हो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आरआरबी के लिए। ये एग्ज़ाम का एनालिसिस करने का जो मेथड, वो बेनिफिट है हमारे पास क्या है, हमको ये पता चल रहा है कि आरआरबी के फेवरेट टॉपिक्स क्या हैं। और अगर आप 2018 का एग्ज़ाम उठाओ तो आपको लगभग लगभग यही पैटर्न मिलने वाला है, 17 का उठाओ लगभग लगभग यही मिलने वाला है, 16 का उठाओगे लगभग यही। तो कहने का मतलब है 20 के अंदर भी 95% पॉसिबिलिटी है यही मिलेगा, 5% तो कुछ भी सर्टेन नहीं है, 95% पॉसिबिलिटी आपको यही पैटर्न देखने को मिल सकता है। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्बिनेशन में 12, एरर डिटेक्शन 5, क्लोज टेस्ट 8, वर्ड यूसेज 5, मैच द कॉलम, ये दो टॉपिक जो आपके नए 2-3 साल से पूछे जा रहे हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट 5। ठीक है, ये तो हमारी हो गई एनालिसिस। चलो अब हम चलते हैं अपना, तो पहले हम देखेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी को हमको कैसे प्रिपरेशन करनी है ना। तो हम बात करेंगे दोनों एग्ज़ाम्स की, है ना, ऑफिसर स्केल वन की भी और ऑफिस असिस्टेंट की भी, क्योंकि हमको प्रिपरेशन एक ही जैसे करनी है, क्योंकि टॉपिक्स लगभग एक ही है, लगभग क्या सब कुछ एक ही टॉपिक्स है, बस नाम चेंज कर दिया उसने। न्यूमेरिकल एबिलिटी ऑफिस असिस्टेंट के अंदर बोलता है वो क्वांट्स को, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड ऑफिसर स्केल वन में बोलता है। हम ये जो प्लान देख रहे हैं अपना 45 डेज का प्लान देखेंगे हम, तो 45 डेज का प्लान का मतलब ये तो आपको रोज करना है, ये जो आपको हमने आगे टॉपिक लिखे हैं ये आपको रोज करने हैं। 45 डेज में हम देखेंगे, हमको ये जो टॉपिक्स हैं हमारे पास ये हमको 45 डेज में कवर करने हैं, और बाकी के डेज हम क्या करेंगे क्या नहीं वो पूरी स्ट्रेटेजी हम देखेंगे। आप पूरी वीडियो देखना, बहुत अच्छा आपको जो है एक कॉन्सेप्ट और एक मेथड मिलेगा, सिस्टमाइज मेथड मिलेगा, सिस्टमेटिक तरीके से जो काम कर रहा है, ठीक है, और बिल्कुल रियलिस्टिक प्लान है, बिल्कुल रियलिस्टिक प्लान है। आप इसको एक बार फॉलो करके देखो आपको कितना फायदा मिलेगा, आईबीपीएस आरआरबी पीओ या क्लेरिकल आपका जरूर क्लियर हो जाएगा, और बहुत सारे एग्जाम्स आगे आने वाले हैं, तो आपको प्रिपरेशन एक ही तरीके से करनी है सबकी ना, प्रिपरेशन का तो लेवल एक ही रखना है, क्योंकि लगभग लगभग अगर आप बैंक एग्जाम्स की बात करो तो सब में आपका जो सिलेबस है वो सेम है। एसएससी के अंदर थोड़ा सा अलग हो जाता है, जैसे में ज्योमेट्री जुड़ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री जुड़ जाती है, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे एसएससी में जुड़ जाते हैं,
लेकिन फिर एसएससी के अंदर क्या होता है, जो रीजनिंग होती है उसका लेवल बहुत लो होता है। अगर हम बैंक की बात करें तो जो रीजनिंग का लेवल होता है वो बहुत हाई आता है, कहीं ना कहीं वो मैथ से भी हाई होता है, क्वांट से भी हाई लेवल आता है रीजनिंग का। लेकिन अगर हम एसएससी की बात करें तो रीजनिंग का लेवल बहुत लो होता है। तो ये सब बेसिक डिफरेंस है। आज हम वीडियो देख रहे हैं किसकी, आरआरबी के लिए। बाकी जब एसएससी का एग्जाम आने वाला होगा उसकी वीडियो बनाएंगे हम, और जैसे जो भी एग्जाम हमारा आता जाएगा उसके लिए हम एक प्लान, बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान, जो मैंने काफ़ी सारे बच्चों पे इसको एक्सपेरिमेंट कर रखा है, वो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो देखो करना क्या, अच्छा पहले तो बात, प्री के अंदर 40 मार्क्स का आना है और मेंस के अंदर 50 मार्क्स का, क्वेश्चन 40 ही आने हैं, यहाँ भी 40 और यहाँ भी 40। लेकिन मेंस में मार्क्स कितने आते हैं, 50, तो एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का हो जाता है। तो करना क्या है आपको, ये देखो, अब डेली प्रैक्टिस करनी है आपको। मैं अच्छा आपको ना टाइम भी बताऊंगा आपको कितने टाइम क्या करना है, एक जनरल मैं आपको टाइम बताऊंगा कि आपको इतना टाइम ये इस चीज़ को देना है, इतना टाइम इस चीज़ को देना है। आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, हो सकता है किसी बच्चे की क्वांट्स अच्छी हो या किसी की रीजनिंग अच्छी हो या किसी को जीके अच्छा हो या इंग्लिश अच्छी हो, वो उस हिसाब से उसको थोड़ा एडजस्ट कर सकता है। लेकिन हम एक नॉर्मल एवरेज बच्चे के लिए एक देंगे कि किस तरीके से उसको टाइम देना है, हर एक चीज़ को, हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे देना है। तो पहले डेली प्रैक्टिस में देखो, स्पीड मैथ, नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन और सिंप्लीफिकेशन। अभी हमने जो एनालिसिस करा एग्जाम का उस पर आपने देखा होगा डाटा इंटरप्रिटेशन कितना है, 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछ लेता है। हाँ, इसके अंदर टाइप्स अलग अलग होते हैं, टेबल वाला होता है ना, पाई चार्ट के ऊपर होता है, बार ग्राफ होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, लेकिन कॉन्सेप्ट सब में सेम ही होता है। अगर आपका परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन, खासकर ये दो टॉपिक अगर आपके क्लियर है, आपको पता है रेशियो क्या कहता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लीकेशन फास्ट कैसे करते हैं, डिवाइड फास्ट कैसे करते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा डाटा इंटरप्रिटेशन। इसलिए हम इससे पहले इसको स्पीड मैथ भी करवाते हैं, ताकि आप को ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें आप अच्छे से समझ पाओ। सिंप्लीफिकेशन टोटल आपका स्पीड मैथ पर डिपेंड है, डाटा इंटरप्रिटेशन भी आपका स्पीड मैथ पर डिपेंड है, नंबर सीरीज ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसके लिए मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हो, बहुत इजी वे मैंने सिखाया हुआ है कि आपको कैसे सीरीज़ को पहचानना है कि ये मल्टीप्लिकेशन की है, डिवीज़न की है, एडिशन की है, सब्ट्रैक्शन की है, वो मैंने वीडियो डाल रखी है आपको पहचानने की, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजीली। अब देखो करना क्या आपको, कि रोज़ आपको ये चार टॉपिक जरूर अटैम्प्ट करने हैं। और कैसे करने हैं, स्पीड मैथ के अंदर मेरे पास टॉपिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर क्यूब, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, ये 6 टॉपिक्स हैं मेरे पास। तो आपको क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक वे बताता हूँ जो थोड़ा अनएथिकल है। एक्चुअली में क्या है ना, एग्जाम देने के लिए आप जो पुराने मेथड आप यूज़ कर रहे हो ट्रेडिशनल, उनको आपको भूलना पड़ेगा, अपने मेथड डिवाइस करने पड़ेंगे, कुछ अनएथिकल मेथड्स आपको डिवाइस करने पड़ेंगे जिससे आपको प्रिपरेशन करने में ईजी हो और बच्चों से आप आगे रहें, है ना। कॉम्पिटिशन में क्या है, आपको जो आप 200 नंबर का एग्ज़ाम है ना अगर, तो जरूरी नहीं है आपको 200 लाने हैं, आपको सिर्फ 100 से 110 मार्क्स लाने हैं सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो ये 100 से 110 मार्क्स कब ला पाएंगे आप, जब आप टारगेटेड पढ़ेंगे ना, टारगेट करके पढ़ेंगे। तो आपका मेन जो एम है वो क्या है, जो आपके आगे बच्चा है आपको उससे आगे जाना है, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आपका टारगेट नहीं है, आपका टारगेट है जो बच्चा, अगर कोई बच्चा 100 कर रहा है तो आपको 102 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप उससे आगे हो जाओगे और आप जो ये सीट थी वो आपको मिल जाएगी। सिलेक्शन का मतलब ये है, कंपटीशन का मतलब ये है, ठीक है ना। तो वो करने के लिए आपको ऑब्वियसली बात है, जो वो बच्चा कर रहा है उससे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, है ना, जो बच्चा 100 ला रहा है आपको उससे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तब आपके 102 आएंगे। तो वो एक्स्ट्रा करने के लिए कुछ अनएथिकल वेज है जो हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए देखो, एक वे देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी जाते हो, रोड पे ट्रैवल करते हो, कहीं भी ट्रैवल करते हो, आपको कहीं भी नंबर्स दिखें, मेनली हम जब रोड पे ट्रैवल करते हैं हमको कहाँ पे नंबर दिखते हैं, जब हम किसी भी कार को देखते हैं उसके पीछे चार नंबर लिखे होते हैं। सपोज करो आपके पास ऐसे चार नंबर लिखे हुए हैं, जो कि मेरी कार का नंबर था, ये चार नंबर लिखे हैं, आपको माइंड में क्या करना है ना, इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है फटाफट से, 5 और 3 8, 8 और 8 16 और 7 23, ऐसे सॉल्व करना है आपको एडिशन। ऐसे नहीं 5 में 3 ऐड करा 8 हो गया, अच्छा 8 में मैं 8 ऐड करूंगा तो 16, और फिर 7 ऐड करके देखता हूँ तो 7 और 6 3,
और एक कैरी में तो 23, नहीं ऐसे नहीं। आपको क्या करना है ना, इसको देखते ही आपको माइंड में, आपका माइंड इसको देखते ही बता देना चाहिए क्या आंसर है 23। वो कैसे होगा, कोई भी कार आप कहीं भी ट्रैवल करते हो, कोई भी आपको कार दिखती है, कहीं भी आपको नंबर्स कुछ लिखे हुए दिखते हैं, किसी का एड्रेस दिखता है, कोई नंबर कहीं भी लिखे हुए दिखते हैं, मोबाइल नंबर तक दिखते हैं, आप उनको ना माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करो, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। उससे क्या फ़ायदा होगा, हमारा माइंड जो है ना बहुत, हमारा जो माइंड है ना वो बहुत चालाक है, वो रिपीटेटिव एक्शन पे काम करता है। मतलब क्या है रिपीटेटिव एक्शन का, आप जो भी काम रिपीटेशन में कर रहे हो ना, माइंड में, माइंड ना उस काम को एक छोटी सी जगह देता है अपने माइंड में। अगर आप साइकोलॉजी भी पढ़ोगे तो उसके अंदर भी ये चीज़ है, प्रूव्ड है। जब जो भी काम आप रिपीटेटिव करते हो ना, माइंड उसके लिए एक थोड़ी सी जगह बना लेता है अपने अंदर। सपोज करो आपका माइंड है ना, यहाँ पे एक थोड़ी सी जगह बना लेगा उस काम के लिए, वो कहेगा यार ये वाला काम ये रोज करता है, डेली वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करता है कुछ नंबर का, तो वो ये वाला पार्ट ना उसको अलॉट कर देगा आपके माइंड का रिपीटेटिव एक्शन के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। तो क्या होगा, आप जैसे जैसे नंबर को करते जाओगे, वो इतना इस चीज़ का यूज़ तो हो जाएगा कि आपको वो नंबर देखते ही इसका मल्टीप्लाई दे देगा, 8 8 5 3 8 8 16 7 23, एकदम से आपको दे देगा। क्यों? क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है। आपको पता है ना, जैसे कहते हैं ना कि कोई काम, अगर कोई एक बंदे ने डिग्री ले रखी है लेकिन एक बंदा उस काम को 15 साल से कर रहा है, तो कौन ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा, जो काम जो बंदा उस काम को 15 साल से कर रहा है। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि वो रिपीटेटिव कर रहा है उस काम को, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है। तो आपको क्या करना है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कोई भी नंबर आपको दिखते हैं कहीं पे भी, रोड में, टीवी पे, कहीं पे भी आपको दिखते हैं, मोबाइल के अंदर आप कोई नंबर ले लो, किसी का भी मोबाइल नंबर उठा लो, उसको आप ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। तो ये तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं, ऐसे हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना है, रोज आप 5 सम ले लो कुछ भी, सपोज करो आपने ये सम ले लिया, आप इसको सॉल्व करो, कुछ और सम ले लिया, फिर ऐसे करके आप 5 सम सॉल्व करो। और इस मेथड से नहीं करने आपको, ऐसे लिख के जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड होता है, ऐसे नहीं करने हैं ना, ऐसे नहीं करने हैं। कैसे करने हैं फिर, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक में मैं वीडियो डाल दूंगा, ब्रदर्स एंड क्लास मेथड, ब्रदर्स एंड क्लास मेथड। उस मेथड के थ्रू आपको सॉल्व करने, और हार्डली 15 से 20 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाया करोगे, इतने हार्ड लेवल के भी, अगर आपको ये मेथड आता है तो। और रिपीटिव आप प्रैक्टिस करते हो तो मेनली क्या प्रैक्टिस, तो आप 5 क्वेश्चन रोज करोगे, आपके मन से हार्ड मल्टीप्लीकेशन जो आपको नंबर देख के डर लगता है वो आपके मन से डर निकल जाएगा, ठीक है ना। और ये आपको कहाँ काम देगा, डाटा इंटरप्रिटेशन में, पूरी मैथ्स के अंदर वैसे आपको काम देने वाला है ये, और खासकर डाटा इंटरप्रिटेशन में। और डाटा इंटरप्रिटेशन आपने देख लिया 20 से 22 नंबर का है, तो रोज कम से कम आपको 5 क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के करने हैं। एक दिन जैसे आज आपने मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सॉल्व कर लिया, डिवीजन भी आपको अच्छे अच्छे जैसे ये लिखा है इसका डिवीजन करना है आपको, तो कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे वीडियो में। तो ये आपको ऐसे 5 क्वेश्चन, 5 मल्टीप्लीकेशन, 5 डिवीजन आज आपने इतना सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट जो कि मैंने वीडियो डाली हुई है, क्यूब रूट जो कि मैंने वीडियो डाली हुई है, आप उनको वीडियो को देख के सॉल्व कर सकते हो। और बाकी हम एक वीडियो और बनाने वाले हैं जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर रूट और परफेक्ट क्यूब रूट तो बताएंगे ही, अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट और अप्रॉक्सीमेट क्यूब रूट निकालना भी सिखाएंगे। तो आप वो वीडियो देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी स्क्वायर रूट क्यूब रूट आप सेकेंड्स के अंदर निकाल लेंगे, ठीक है ना। एक दिन आपने मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की प्रैक्टिस करी, एक दिन आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट की करनी है, उसके अगले दिन आपको स्क्वायर क्यूब, अच्छा आपको कम से कम 1 से 30 स्क्वायर, 1 से लेकर 30 तक के नंबर के स्क्वायर, और 1 से कम से कम 20 तक के क्यूब याद कर लेने हैं, बहुत आपके काम आने वाले हैं, पूरी मैथ्स के अंदर आपको काम आने वाला है, तो ये आपको जरूर याद करने हैं। हम मेथड तो सीखेंगे ही सीखेंगे कि स्क्वायर और क्यूब निकालने का, फास्ट मेथड, बहुत ईजी मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, कितने भी नंबर का स्क्वायर हो, कितने भी नंबर का स्क्वायर हो आपका, और जो आपके क्यूब्स होते हैं, क्यूब्स के ऊपर इतना कुछ ज़्यादा नहीं आता है, तो आप 1 से 20 तक के भी याद कर लोगे तो बहुत है। स्क्वायर निकालना हम बहुत डिटेल में सीखेंगे कि कोई से भी नंबर का स्क्वायर हो आप कैसे निकाल सकते हैं, और 1 से 30 और 1 से 20 तक के आपको याद करने हैं। ये याद करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं, 5 मिनट से भी कम लगेगा, रोज आप 1 से 30 तक के स्क्वायर पहली बार आप देख के लिखो, दूसरी बार आप देख के लिखो, तीसरे दिन आप देख के लिखो, 3 4 दिन आप उसको देख के लिखो, चौथे पांचवे दिन आप जैसी नंबर लिखोगे ना, 6 आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा 36, जैसे आप नंबर कुछ भी लिखोगे ना 12 लिखोगे आपके दिमाग में 144 आ जाएगा, इस तरह से आप सीधा याद कर सकते हो ऐसे क्यूब के अंदर। चलो
चार पांच दिन आप देख के लिखो, छठे दिन आप अपने आप उनको लिखने लगोगे। तो डेली लिखते रहो, आपको दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि नंबर बोलते ही आप उसको बता पाओगे, क्योंकि वो दिमाग क्या करेगा, रिपीटेड एक्शन। ऐसे ही क्या करना, अच्छा यूनिट की डिटेल्स हमने बहुत सारी वीडियोस में इसको डिस्कस कर रखा है, अपनी पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हो, और बाकी हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो इसके थ्रू आपके बहुत सारे क्वेश्चन बिना पेन के ही सॉल्व हो जाते हैं। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट, एक दो क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करने हैं। इस तरीके से आपको स्पीड मैथ करनी है। एक दिन आपने क्या करा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लिया, एक दिन आपने स्क्वायर रूट क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, एक दिन आपने स्क्वायर क्यूब से कर लिए, एक दिन आपने यूनिट डिजिट और डेल्टा सम से कर लिए, फिर दोबारा वापस आ जाओ, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करो, फिर ये करो। इस तरीके से आपकी स्पीड मैथ रोज तैयार होती रहेगी, और आप जब एग्जाम में बैठोगे आप देखना आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। आपको लगेगा यार मतलब कितनी ईजी होगी मैथ्स आपके लिए, क्योंकि आपको सारे स्क्वायर, और आप एक काम और कर सकते हो, टेबल्स भी याद कर सकते हो, कम से कम एक से बीस तक की टेबल, एक से बीस तक की टेबल भी। तो याद करने का तरीका क्या है, वही रोज लिखो, आपको याद हो जाएंगे। नंबर सीरीज रोज कम से कम पांच क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो मेंस तक आपके पास लगभग 100 दिन है ना, मेंस तक, और उसकी बात करो अगर प्री की, तो प्री तक भी आपके पास लगभग 60-65 डेज है। तो लगभग 5 × 100 करोगे यार आप, तो लगभग 500 नंबर सीरीज आप सॉल्व कर चुके होंगे जब तक आपका एग्जाम आएगा। और अगर प्री की बात करोगे तो 5 × लगभग 60 मान के चल रहा हूँ मैं, जबकि ये एक्सटेंड होना ही होना है टाइम, मैं आपको बता चुका हूँ। तो 300 नंबर सीरीज अच्छी लेवल की है ना। बच्चे एक गलती क्या करते हैं, वो सॉल्व करते रहते हैं जो उनसे अच्छे से सॉल्व होता रहता है, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को सॉल्व करते रहते हैं, और उनको लगता है यार मेरे को तो बहुत कुछ आ गया, एक्चुअल में उन्हें कुछ नहीं आया होता। तो आपको करना क्या है, क्वालिटी को प्रिफ्रेंस देनी है। आप 5 ही सॉल्व करो बस, 50 मत करो, 5 करो रोज, लेकिन क्वालिटी वाली अच्छी नंबर सीरीज, ठीक है ना। वो आपको किसी भी वेबसाइट पे कहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे, ऐसी आपको डाटा इंटरप्रिटेशन कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दो रोज करने हैं, डेली डेली। ये नहीं है कि आप 10-10 इंटरप्रिटेशन रोज करो, ना कोई फायदा नहीं है, आप एक से दो करो, लेकिन क्वालिटी, फिर वही बात है क्वालिटी। अगर देखो तीन चीजें होती हैं, इजी, मॉडरेट, हार्ड। अगर आप हार्ड वाले को सॉल्व करते हो, एक दिन में एक ही सॉल्व करते हो, तो आपके मॉडरेट और इजी तो समझ लो अपने आप हो गए उसके अंदर कवर, वो तब करने की जरूरत ही नहीं है। वो क्या करना है, शुरू में आप 5-10 दिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, नहीं समझ में आता कि डाटा इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, तो आप शुरू में 5-10 सॉल्व कर सकते हो इजी और मॉडरेट। उसके बाद आपको हार्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। अगर आप रोज एक भी करोगे तो 100 डेज में 100 सॉल्व हो जाएंगे, 100 DI अच्छे लेवल के। तो आप ये मान के चलो इजी मॉडरेट तो आप ऐसे ही निकाल दोगे। और RRB के अंदर मैं आपको बता दूं, इजी से मॉडरेट ही आते हैं, हार्ड बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर आप हार्ड की प्रैक्टिस करोगे तो इजी मॉडरेट इजीली कर पाओगे, ठीक है। बिल्कुल रियलिस्टिक प्लान है, इतना आप आराम से कर सकते हो। 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के हार्डली करने में 10 मिनट लगने हैं आपको। इस तरीके से डाटा इंटरप्रिटेशन एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट लगने हैं आपको। शुरू में आपको हो सकता है 10 से 15 मिनट लग जाए, है ना। धीरे धीरे डाटा को समझना कोशिश करो आप, पहले शुरू में टाइम की चिंता मत करना, शुरू में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि ये बार ग्राफ दे रखा है अगर, तो ये डाटा मुझे क्या दिखा रहा है, एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहा है, एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहा है ये डाटा, और वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहा है। आप सिर्फ इन चीज़ों को धीरे धीरे पहचानना शुरू करो, चाहे एक डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको 20 मिनट लग जाए, लेकिन जब आपको पहचानना आ जाएगा ना, तब आप देखना कितना कम टाइम आपका अपने आप हो जाएगा। परसेंटेज आपका क्लियर होना चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं और आपको डाटा इंटरप्रिटेशन का डाटा पहचानना आ गया है, तो आप देखना कितनी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और हम बीच बीच में क्वेश्चन इसके जरूर लेते रहेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, कि आप समझ सको कैसे मुझे सॉल्व करना है एग्जाम में। ऐसी सिंप्लीफिकेशन के 5 से 10 क्वेश्चन आप रोज कर सकते हो, पूरा डिपेंड करेगा स्पीड मैथ पे, ठीक है ना। तो ये भी आपके जब आप मेंस तक जाओगे तो 100-500 तक क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे अच्छे लेवल के। तो अगर आप इतना करते रहते हो ना मेंस लेवल तक, तो मैं आपको बता दूं यही आपको सिलेक्शन करा सकते हैं। आपको पता है ना डाटा इंटरप्रिटेशन 20 से 22 मार्क का ये आता है, नंबर सीरीज लगभग 5 नंबर की पूछ लेता है, सिंप्लीफिकेशन लगभग 5 नंबर का पूछ लेता है। 30 मार्क्स तो आपको यहीं दिख रहे हैं अपने, 30 मार्क्स तो आपको यहीं दिख रहे हैं 40 में से, है ना। 40 नंबर का अगर 40 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन तो आपको यहीं दिख रहे हैं। तो ये तो आपको डेली करना ही करना है, और जिस वे मैंने आपको बताया कोशिश करना उसी वे में करो आप। डाटा इंटरप्रिटेशन रोज 10-20 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको बताएंगे लोग कि 10 सॉल्व करो, 20 सॉल्व करो, कोई फायदा नहीं है।
आप इजी इजी 50 कर लो सॉल्व, कोई फायदा नहीं है। हार्ड क्या, सिर्फ एक या दो सॉल्व कर लो एक दिन में, वही बहुत है। आप उसका कॉन्सेप्ट समझ के एक या दो सॉल्व कर लो, बहुत है। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा 45 डेज का प्लान है। जैसे कि आप जानते हैं ना, 30 क्वेश्चन तो हमने अभी निकाल दिए मेंस में जो उस वाले टॉपिक से आने हैं, तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके ऐसे बचेंगे जो आपके इन वाले टॉपिक से पूछे जाने, ठीक है ना। 10 से 15 ऐसे बचेंगे जो आपके इन वाले टॉपिक से आने हैं। तो इन वाले टॉपिक में मैंने स्टिपुलेटेड टाइम आपको दे दिया है कि आपको इतना टाइम इनको देना है। रेशियो प्रोपोर्शन करने में आपको 3 दिन देने हैं। और कुछ अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वीडियो के, अगर मैं इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ भी कह सकता हूँ, क्या है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। वैसे हम अभी स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क में देखेंगे, जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन करनी है। कोई बुक ऑफलाइन छेड़नी भी नहीं है आपको, कोई बुक नहीं उठानी है आपको, चाहे सर्वेश वर्मा हो, अरुण शर्मा हो, चाहे RS अग्रवाल हो, कोई भी बुक हो आपको नहीं छेड़नी है ऑफलाइन। उनको ऑनलाइन में डाउनलोड करो, अगर नहीं मिलता ये बुक जो आपके पास ऑफलाइन बुक है, उसको आप स्कैन करके अपने कंप्यूटर में मोबाइल के अंदर डालो और क्वेश्चन ऑनलाइन सॉल्व करो। उसका मैं आपको फ़ायदा बता देता हूँ आज। अगर आप ऑफलाइन सॉल्व कर रहे हो और एग्ज़ाम में जाते हो, आपको डाटा जो लिखा है स्क्रीन पर वो समझ नहीं आएगा। जो आपके स्क्रीन पे आपका डाटा लिखा है वो समझ नहीं आएगा। अगर उसने एक सपोज करो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिया, आपको ऐसे लिखना पड़ जाएगा CP मेरा 100, SP मेरा 120, अगर आपने ऑफलाइन प्रैक्टिस करी है तो। और ये आप जहाँ लिखने लग गए, आप दूसरे बच्चों से पीछे हो जाओगे, अगला बच्चा आप सिलेक्शन लेके निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ऑनलाइन प्रैक्टिस करी थी, उसने डायरेक्ट अगर प्रॉफिट परसेंटेज लिखा हुआ देखा 1/8, तो उसने डायरेक्ट पता चला ये CP है, ये SP है। करना क्या है आपको? ऑनलाइन प्रैक्टिस। ऑनलाइन प्रैक्टिस जब आप करते हो तो आपका माइंड उसी तरह से वर्क करना शुरू कर देता है जो भी आपके स्क्रीन पे लिखा होता है, इतना उसको चीज़ शुरू समझ में आने लगती है। वरना लोग क्या करते हैं, पजल को पढ़ते हैं और उनके पॉइंट्स को नोट करते हैं अलग अलग। इतना टाइम थोड़ी ना हमारे पास एग्जाम में, आपको पता है, देखो 80 मिनट दे रहा है वो प्री के लिए, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, देख रहे हो ना। सॉरी 45 मिनट्स आपको दे रहा है वो, और इसमें 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप देख रहे हो 45 मिनट में 80 क्वेश्चन, अगर आप ऐसे लिख के करोगे तो कर सकते हो क्या? नहीं। तो क्या करना है आपको? माइंड में ही इनको करना है। माइंड में कैसे होंगे? जब आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे। तो ये बहुत बेस, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क में बहुत डिटेल में। तो आपको करना क्या है, इनकी भी ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी, जितने भी टॉपिक आपके सामने लिखे हैं, और कम से कम 120 से 150 क्वेश्चन जो अच्छे टॉपिक्स हैं, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन बहुत अच्छा टॉपिक है, 120 से 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 3 दिन में। शुरू में आप 20-30 क्वेश्चन लो इजी, उसके बाद मॉडरेट लेवल के थोड़े से क्वेश्चन लो, और फिर 20 से 25 हार्ड लेवल। क्योंकि अगर आप RRB की बात करोगे, अगर आप प्रिपेयर खाली RRB के लिए कर रहे हो अभी, तो उसके अंदर हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप इसको लीव भी कर सकते हो अभी के लिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको कितना आता है। तो सिलेक्शन लेने के लिए आप मॉडरेट ही एग्ज़ाम में आते हैं, मॉडरेट लेवल तक की आप सॉल्व करो उसको। हाँ, 10 से 15 क्वेश्चन भी हार्ड लेवल के भी लगा लो, ताकि अगर आपका ये क्लियर हो जाएगा ना, तो ये और ईजी तो आपका अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो मेनली फोकस आपको ईजी और मॉडरेट क्वेश्चन कम से कम 80-90, बाकी के बचे हुए हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। पार्टनरशिप से कुछ नहीं, 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर आपका रेशियो प्रोपोर्शन क्लियर है, तो पार्टनरशिप में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आपका एक दिन के अंदर या एक घंटे में भी हो जाएगा। चाहो तो आप इन दोनों को ही 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। परसेंटेज को आप चाहो तो 3 से 4 दिन भी बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें भी 120 से 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपको परसेंटेज और रेशियो समझ में आ गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस समझने में बहुत टाइम नहीं लगने वाला। कोई भी कॉन्सेप्ट लगभग अलग नहीं है, सब सेम ही है, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन एक अच्छा टॉपिक है, एक क्वेश्चन लगभग पूछ लेता है वो, तो 3 दिन आप इसको दे सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक अच्छा टॉपिक है, ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इसको 4 दिन दे सकते हो। एक दिन आप SI के क्वेश्चन करो, एक दिन बहुत है SI आपको समझ में आ जाएगा। 3 दिन या 2 दिन आप CI के करो, और एक दिन बचे हुए में मिक्स क्वेश्चन करो SI CI के, ठीक है ना। ईजी, मॉडरेट और हार्ड, तीनों तरह के करने। टाइम स्पीड डिस्टेंस इजी टॉपिक है, 3 दिन के अंदर पूरा कवर हो जाएगा, और बहुत
आसानी से हो जाएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन तो परसेंटेज बेस पे ही सॉल्व हो जाते हैं, रेशियो बेस पे सॉल्व हो जाते हैं। बोट एंड स्ट्रीम, अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लिया है, बोट एंड स्ट्रीम एक दिन लेगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको सीखना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड बिल्कुल सेम होते हैं, सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बस नाम अलग है। तीन दिन इसको दिया हमने, एक दिन इसको। टाइम एंड वर्क भी आपका अगर आपने परसेंटेज और रेशियो पढ़ा है तो आराम से हो जाए। नंबर सिस्टम तो वैसे एक बहुत वास्ट टॉपिक है, SSC की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे लेवल पर पूछा जाता है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। मेंस के अंदर आप जानते हो, अगर आप CGL की बात करोगे, मेंस के अंदर लगभग 10-12 क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर आप IBPS PO की बात करोगे तो हार्डली एक क्वेश्चन पूछेगा, वो भी बहुत ईजी। यूनिट डिजिट से रिलेटेड हो सकता है, रिमाइंडर से रिलेटेड हो सकता है, नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड हो सकता है, HCF LCM से रिलेटेड हो सकता है। तो तीन दिन के अंदर आपको बेसिक जितना पूछा जाता है क्वेश्चन से देख के आपको पता चल जाएगा कितना पूछा जाता है, उतना ही आप करो इसको। क्वालिटी क्वेश्चन हमने वीडियोस डाली हुई है, अगर आप देखो तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे जो मैंने मेथड बताया हुआ है। और दो दिन बहुत सफिशियंट है, एवरेज दो दिन बहुत है। एज रिलेटेड क्वेश्चन IBPS का एक फेवरेट टॉपिक है, ये एज वाले जरूर पूछ लेता है क्वेश्चन, तो एक दिन आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ नहीं है, एक छोटा सा फंडा है प्रेजेंट एज का, बस मैं आपको सिखाऊंगा तो बहुत इजी है। अप्रॉक्सीमेशन आप दो दिन, अप्रॉक्सीमेशन कई बार 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो आप अप्रॉक्सीमेशन भी रोज कर सकते हो। मैं आपको बाकी अप्रॉक्सीमेट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालना सिखा दूंगा, जो कि इसके अंदर बहुत अच्छे लेवल पूछे जाते हैं। अप्रॉक्सीमेट मल्टीप्लीकेशन, अप्रॉक्सीमेट डिविजन करना भी सिखा दूंगा, जो आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन जो बैंक के अंदर है ना बहुत लिमिटेड है। अगर ये मैं बात करूँ, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, पूरी पूरी बुक्स इनके ऊपर अलग से बनी हुई हैं, लेकिन बैंक के अंदर बहुत लिमिटेड आते हैं। बॉल्स के ऊपर आ जाता है, कार्ड्स के ऊपर, बहुत लिमिटेड आता है। तो दो दिन के अंदर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि ये टॉपिक इतने वास्ट है ना, अगर आप इसको पूरा एक महीना भी दोगे तब भी पूरा नहीं कवर कर सकते। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्या कि मेरे को उतना ही कवर करना है जितना मेरा एग्जाम्स में पूछा जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही आपको सीखने हैं। मेंसुरेशन पे भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आता है, बेसिक फॉर्मूले पे से क्वेश्चन आते हैं, दो दिन बहुत हैं। अच्छा, डाटा सफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो डाटा सफिशिएंसी कोई अलग टॉपिक नहीं है। अगर आप ये सब टॉपिक पढ़ रहे हो तो डाटा सफिशिएंसी आपका अपने आप इन्हीं के अंदर कवर हो रहा है, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी में क्या होता है ना, आपको एक क्वेश्चन दे देगा, दो उसके ऊपर डाटा दे देगा और बोलेगा कि इन दोनों डाटा से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, एक से सॉल्व हो सकता है, दोनों से हो सकता है, दूसरे से हो सकता है, किसी से भी नहीं हो सकता। डाटा सफिशिएंट है या क्या नहीं, एक क्वेश्चन दे देगा, उसके दो डाटा दे देगा, बोलेगा इन दोनों डाटा में से खाली इस वाले से क्वेश्चन ही वाला सॉल्व हो जाएगा, या खाली इस वाले से हो जाएगा, या दोनों मिलके होगा, इस तरीके से पूछेगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप कब कर पाओगे, जब आपको इन सारे टॉपिक्स की नॉलेज होगी, क्योंकि वो हो सकता है इससे उठा के दे दे, डाटा सफिशिएंसी, टाइम एंड वर्क से दे दे, परसेंटेज से दे दे, है ना, एवरेज से दे दे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दे दे, किसी भी दे सकता है। तो आपके अगर ये टॉपिक क्लियर होगा तो डाटा सफिशिएंसी भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा 45 डेज प्लान था, ठीक है ना, 45 डेज के अंदर आपको ये सब क्लियर करना है। बाकी के बचे हुए दिन में क्या करना है वो भी हम देख लेंगे आगे, अभी जब टाइम मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वांट्स के प्रिपरेशन, जो चीज़ें आपको डेली करनी थी वही मैंने आपको बता दी, ये सब चीज़ें आपको डेली करनी थी और ये सब चीज़ जो थी आपकी 45 डेज में कवर करनी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे रीजनिंग का 40 डेज प्लान, प्री में 40 मार्क्स की, मेंस में 50 मार्क्स की, क्वेश्चन दोनों में 40-40 ही। बात करते हैं डेली, जो आपको डेली काम करना है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। कुछ नहीं करना आपको, एक पजल और बहुत मैक्सिमम दो पजल। लोग आपको बताएंगे 10 पजल रोज सॉल्व करो, 10 सिटिंग अरेंजमेंट रोज सॉल्व करो, और भी तो सब्जेक्ट्स हैं ना, उनको भी टाइम देना है आपको, तो एक सिटिंग या दो। लेकिन ये जो एक या दो आप ले रहे हो ना, फिर वही बात है, क्वालिटी लेवल की होनी चाहिए। शुरू में आप 5-10 दिन जो है इजी कर सकते हो कॉन्सेप्ट समझने के लिए, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे लेवल की, हार्ड लेवल की, क्वालिटी लेवल के ही लेने हैं। हम इसकी वीडियो हमने डाल चुके हैं पजल सिटिंग अरेंजमेंट की, और वीडियोज डालेंगे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। आपको मेथड देखना है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके अंदर कुछ नहीं, अगर आपको एक बार मेथड समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। मैंने बाकी वैसे वीडियो डाली भी है, वो भी आप देख सकते हो। तो जब आप मेन तक जाओगे तो लगभग 100-200 पजल आप कर चुके होंगे, 100-200 सिटिंग अरेंजमेंट, और कौन से क्वालिटी वाले, मेन बात यहाँ पे क्या है, क्वालिटी है ना। तो
आगे ये हमारा क्या है, 40 डेज का प्लान है। पहले वाला हमारा क्वांट का 45 डेज का था, रीजनिंग वाला 40 डेज का है। इनइक्वालिटी 4 दिन, सिलॉजिज्म 4 दिन। ये मैंने इसके अंदर डेज ज़्यादा लिखे हैं। अगर आपने मेरी इनइक्वालिटी की वीडियोस और सिलॉजिज्म की वीडियोस देखी हैं तो आप 2 दिन के अंदर ही पूरा का पूरा कवर कर सकते हो। मैंने इतने अच्छे से इनकी वीडियोस बनाई हुई हैं, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता रखे हैं। और सही बताओ, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो इनइक्वालिटी और सिलॉजिज्म की आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे। हार्डली 5 मिनट में, अगर ये 5 क्वेश्चन आते हैं, ये 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 के 10 क्वेश्चन आप 5 मिनट में सॉल्व कर दोगे, और विद 100% एक्यूरेसी। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग 3 दिन दे सकते हो आप। ब्लड रिलेशन अच्छा टॉपिक जो आजकल काफ़ी पूछा जा रहा है बैंक के एग्जाम में। डायरेक्शन सेंस देखो, इसको हमने हाईलाइट करा है क्यों, क्योंकि ये लगभग लगभग प्री दोनों दोनों ऑफिसर स्केल 1 ऑफिसर असिस्टेंट के प्री में और दोनों के मेंस में पूछा जा रहा है, तो अच्छा टॉपिक है। आप 2 दिन इसको दो, बहुत है 2 दिन। कौन कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ नहीं है, बस आपको ये दिमाग में रखना है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये क्या है ये क्या है ये क्या है ये क्या है, ये लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही इजी है। रैंकिंग की हमने पूरी वीडियोस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर डाला हुआ है, 2 से 3 वीडियोस के अंदर आप देख लेना, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा रैंकिंग का। 3 दिन बहुत है। इनपुट आउटपुट 5 दिन, मैंने इनपुट आउटपुट जो जिस तरह के लेवल आपका IBPS RRB में आएगा वो मैंने वीडियोस डाल रखी है इनपुट आउटपुट की, आप देख सकते हो। उसके अंदर मैंने मेथड भी बता रखा है कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी मेथड मैंने आपको सिखा रखा है, वो आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद के मेरे बनाए हुए मेथड्स हैं और बहुत रिसर्च के बाद उनको मैंने डाला यूट्यूब पे। ठीक है ना, तो वो आप देख के 5 दिन आप प्रैक्टिस करो। अगर आप चाहो, आपको टाइम अलाउ करता है तो आप ये भी डेली कर सकते हो और ये दोनों भी डेली कर सकते हो, अगर टाइम अलाउ करता है आपका तो। वरना अगर आपने इनके कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं तो आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाओगे, बहुत इजी लेवल के आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हमने तो बहुत हाई लेवल के कर रखे हैं इनक्वालिटी और सिलॉजिज्म। ऑड वन आउट 1 दिन दे सकते हो आप, अल्फाबेट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको 1 दिन दे सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग, बहुत सारे बच्चों को लॉजिक रीजनिंग से डर लगता है, बहुत उनको मुश्किल लगती है, लेकिन कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगाने होते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें ना, तो कुछ नहीं, थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना होता है और कुछ नहीं होता है इन क्वेश्चन। हम कुछ क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, कुछ एक मेथड्स भी हैं इसके लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 14 दिन हमने दिए जो कि बहुत मोर देन इनफ है, तो 40 डेज का प्लान हमारा ये है। ठीक है, इसमें हमने पजल की वीडियो डाली हुई है, सिटिंग अरेंजमेंट की वीडियो डाली हुई है, इनइक्वालिटी की डाली हुई है, सिलॉजिज्म की डाली हुई है, रैंकिंग की पूरी डाली हुई है, इनपुट आउटपुट की पूरी डाली हुई है। आगे मैं कोशिश करूंगा कोडिंग डिकोडिंग जल्दी डाल दूं, ब्लड रिलेशन 1 ही 2 वीडियो में कवर हो जाएगा, डायरेक्शन सेंस 1 या 2 वीडियो में कवर हो जाएगा, तो हमारा पूरा कोर्स भी आपको रीजनिंग का मिल जाएगा। चलो बात करेंगे किसकी, इंग्लिश की। 40 मार्क्स की आ रही है मेंस में, प्री में तो आएगी नहीं, मेंस में ही आएगी। पेन चेंज कर लेते हैं, सेम कलर का हो गया। चलो स्पॉटिंग एरर्स, इसके लिए हमने ना डेज नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे उसको मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। पहले पहले आपको डेली क्या क्या करना है, रीडिंग और वोकेबलरी। हम अभी जब टाइम मैनेजमेंट देखेंगे ना, ये देखेंगे रीडिंग कैसे करनी है, वोकेबलरी कैसे करनी है डेली। लिंक करना है कि आपको रीडिंग और वोकेबलरी डेली, क्यों, पूरी इंग्लिश का जितना भी कोर्स है आपका, बैंक का खासकर, बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, SSC की नहीं कर रहा है, SSC के अंदर ग्रामर भी पूछता है, अच्छे लेवल की ग्रामर पूछता है। लेकिन अगर मैं IBPS की बात करूँ तो ग्रामर से इसका लेना देना बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम, और जितना है वो आप रीडिंग में ही कवर कर सकते हो। ठीक है, रीडिंग वोकैबुलरी आपको रोज करनी है, मैं आपको बता दूंगा टाइम, अभी मैनेजमेंट देखेंगे कितना कितना टाइम आपको देना है। क्या क्या टॉपिक्स हैं इसके अंदर, स्पॉटिंग एरर्स, पैरा जंबल्स। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको, मतलब 5 आपको स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा पहले कौन सी आनी है, दूसरे नंबर पे कौन सी आनी है, इस तरीके से देता है पैरा जंबल में। कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है आपका, पैराग्राफ जो देता है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देता है। क्लोज टेस्ट के अंदर आपको एक पूरा पैराग्राफ देगा, कुछ कुछ वर्ड्स बीच में छोड़ देगा, उन वर्ड्स को बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको एक सेंटेंस दे देगा, बोलेगा इस वाले फिल इन एक ब्लैंक के अंदर क्या आना है। सेंटेंस करेक्शन दे देगा, सेंटेंस दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा पार्ट गलत है।
मीन्स स्पेल वर्ड्स, चार वर्ड दे देगा, बोलेगा कौन सी स्पेलिंग इसमें सही है ना, वर्ड यूसेज और मैच द कॉलम, ये एक हमारे नए टॉपिक हैं। अभी हम न्यू पैटर्न जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वर्ड यूसेज और मैच द कॉलम क्वेश्चंस क्या है, दो तीन साल से लगभग पूछे जा रहे हैं ये, और ये भी वर्ड स्वैपिंग और वर्ड रिप्लेसमेंट, ये तीन तरह के क्वेश्चन हमारे लगभग नए तरीके के हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं हमने क्यों कहा कि रीडिंग वोकैबुलरी रोज करनी है और क्यों पूरी इंग्लिश हमारी रीडिंग वोकैबुलरी पर ही बेस्ड है। देखो मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप रीडिंग अच्छी है और वोकैबुलरी अच्छी है, मैं आपको मान के चल रहा हूँ आपकी रीडिंग भी अच्छी है और आपकी वोकैब भी अच्छी है, मुझे एक बार बताओ स्पोर्टिंग एरर्स जो होंगे वो आपके प्रॉपरली बेस करेगा रीडिंग के ऊपर? अगर आप रीडिंग रोज कर रहे हो ना तो स्पोर्टिंग एरर आप जब पढ़ोगे ना क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि एरर किस पार्ट में है। ग्रामर के रूल्स अगर आप लगाने बैठोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं, मैं आपको भी बताऊंगा आपको कितना टाइम कौन से उसको देना है जब आप एग्जाम में जाओगे सॉल्व करने के लिए, तो इतना टाइम आप नहीं दे पाओगे कि उसके अंदर ग्रामर के रूल लगा सको। हाँ आपको पढ़नी जरूर है ग्रामर, ऐसा नहीं कि छोड़ देनी है, बिल्कुल पढ़नी है लेकिन लिमिटेड। पैराजंबल की अगर हम बात करूं पूरा प्रॉपर बेस है रीडिंग पे, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है आपको अपने आप पढ़ के ही पता चल जाएगा कि पहले कौन सा सेंटेंस आना चाहिए दूसरे पे कौन सा आना चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो है ही रीडिंग पे डिपेंड, क्लोज टेस्ट वोकैब पे डिपेंड है आपका, है ना, जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं, आपको जो वर्ड दे रखे हैं उनका मीनिंग पता हुआ अगर आपको तो यहाँ पे आप आराम से भर सकते हो, उनको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए आपको वर्ड का मीनिंग तो जरूर पता होना चाहिए ना, जब पता चल पाए कि आप इसको क्या फील करोगे। फिल इन द ब्लैंक्स फिर से आपके वोकैब पे डिपेंड, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन वैसे आपका ग्रामर का पार्ट है लेकिन अगर आप रीडिंग रोज कर रहे हो तो जिस तरह के क्वेश्चन आने हैं आपको पता चल जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि विद के बाद हर एक जितने में रीडिंग करी उसके अंदर विद के बाद ये होता है, आपका माइंड अपने आप कैच कर लेगा। आपने कई बार बच्चों से सुना भी होगा कि यार मैं तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मुझे पता चल जाता है इसमें एरर है, कैसे पता चलता है? वो रीडिंग प्रैक्टिस होती है उनकी, वो इंग्लिश स्कूल में पढ़े होते हैं अगर इंग्लिश मीडियम में, उनको शुरू से इंग्लिश पढ़ने की आदत होती है तो उनको सेंटेंस में ग्रामर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, वो सेंटेंस को मतलब अगर पांच क्वेश्चन आए तो तीन तो आप सिर्फ रीडिंग बेस पे ही कर दोगे, दो क्वेश्चन के लिए आप पूरी ग्रामर पढ़ोगे क्या? नहीं ना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना 200 में से 100 से 110 क्वेश्चन ही तो आपको सही अटेम्प्ट करने हैं, तो आप अगर तीन क्वेश्चन सेंटेंस करेक्शन ठीक कर दो, दो क्वेश्चन छोड़ दो, पूरी ग्रामर उसके लिए मत पढ़ो ना, और भी तो आपके पास टॉपिक्स हैं ना, रीजनिंग के इतने सारे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर टाइम दो, मैथ्स के इतने टॉपिक हैं उन पर टाइम दो, मिस स्पेल्ड वर्ड्स टोटली आपको वोकैब पे और रीडिंग पे डिपेंड है, अगर जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपके दिमाग में स्पेलिंग्स ही बैठती रहेंगी, वर्ड यूसेज वोकैब पे डिपेंड होगा, मैच द कॉलम रीडिंग पे डिपेंड होगा, रीडिंग पे ठीक है, वर्ड स्वैपिंग वर्ड रिप्लेसमेंट आपका वोकैब पे। अब मुझे एक बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 में से 8 टॉपिक तो आपके प्योरली रीडिंग और वोकैब के ऊपर डिपेंड है, आपकी वोकैब कितनी अच्छी और आपकी रीडिंग कैसी है, 8 टॉपिक जो आपके मैंने दो बताए वो भी आपके कहीं ना कहीं रीडिंग से ही रिलेटेड हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे को रीडिंग और वोकैब में रोज कर रहा हूँ तो ये टॉपिक्स मेरे अपने आप तैयार हो रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आगे करंट अफेयर्स। अच्छा मैं करंट अफेयर्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, देखो उसका रीजन है, उसका रीजन है क्या, रीजन है देखो, अगर आप करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप जो लेवल IBPS का हमने पिछली बार देखा लगभग 35 क्वेश्चन जो थे आपके सिंपली करंट अफेयर से थे, और बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पुराने नहीं, लगभग 4 to 5 months के करंट अफेयर में आपके 35 क्वेश्चन थे, 35 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से, तो आप सोच सकते हो कि मतलब अगर आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कर लेते हो तो 35 के 35 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, 5 क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके के बचे वो आप अगर ना भी करना चाहो तो आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो क्यों इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको, 35 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के थे अगर आपने करंट अफेयर कर रखे हैं तो, हमने इसको हाईलाइट भी करा है, करंट अफेयर्स आपको डेली करने हैं, डेली कैसे करने हैं मैं आपको बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन करने आपको डेली हैं, ठीक है। उसके बाद दो टॉपिक्स और हैं, बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग के एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस से पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन स्टैटिक जीके से ही पूछ लेता है,
और करंट अफेयर पढ़ने का तरीका क्या होगा, करंट अफेयर पढ़ने का तरीका क्या है, वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा वीडियो में कि कैसे करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं, ताकि करंट अफेयर के साथ साथ आपकी बैंकिंग अवेयरनेस भी तैयार होती रहे और सेटिक जीके भी तैयार होती रहे। वो मेथड में मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देखो आपके बैंकिंग अवेयरनेस से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो गया बजट से, टाइप्स ऑफ अकाउंट जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। टर्म और डिपॉजिट अकाउंट क्या होते हैं, क्या फ़र्क है इनमें। ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई ना, वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, यूनिसेफ हो गया, इस तरह के जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपको ये देखना है, WHO हो गया, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ हैं, इनके चीफ कौन है, इनकी फुल फॉर्म्स क्या हैं। WB की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड बैंक। WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप जानते हैं WHO आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा कोरोना की वजह से, तो आपको इसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, इनका फुल फॉर्म, इस समय हेड कौन है, कहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स है ना, जैसे NPA क्या होता है, ठीक है, इस तरह के जो बेसिक टर्म्स हैं, है ना। चेक, DD क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है, बैंकर्स चेक क्या होता है, नेगोशिएबल नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इस तरह की बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, काफ़ी पूछ सकता है। गवर्नमेंट स्कीम, जो भी गवर्नमेंट आजकल स्कीम्स चला रही हैं, जैसे अभी आपने देखा था जनधन खातों के अंदर 500 500 रुपये आए थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, बेसल नॉर्म से पूछ सकता है, NPA सरफेसी एक्ट से, NBFC क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। एब्रीवेशन के अंदर यही सब आ जाएगा, NBFC की फुल फॉर्म क्या है, और NCH की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल क्लियरिंग हाउस, ECS की क्या है, इस तरह की चीज़ें पूछता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर्स, अलग अलग बैंक जो है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, बैंक के CMD कौन है, ये बेसिक चीज़ें हो गई, ठीक है ना। ये करने आपको, ये आपको टॉपिक ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन आपको करने में कोई ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 10 से 15 दिन में आप पूरा कवर कर सकते हो। और वरना आपको आजकल तो आपको पता है कि डिफरेंट वेबसाइट के अंदर आपको कैप्सूल्स और PDF मिल जाती हैं, लगभग लगभग 50 60 पेज की होती हैं, 50 60 पेज की। तो आप मानो अगर आप 6 पेज भी रोज करते हो तो 10 दिन के अंदर ये पूरा कैप्सूल कर लोगे, जिसके अंदर ये सब कुछ कवर कर देते हैं जितना आपका एग्जाम। देखो अगर आप सोचो, अगर आप बात करो मॉनेटरी पॉलिसी की, पूरी एक बुक मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर लिखी गई है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ना, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, CRR करंट CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, तो ये सब चीज़ें तो बहुत डिटेल में है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, जो कि बहुत लिमिटेड है, क्वेश्चन जो पूछे जाते रहे हैं वही पूछता है। तो उस हिसाब से लोगों ने कैप्सूल्स, काफ़ी सारी वेबसाइट्स जो अच्छी, उन्होंने कैप्सूल्स बना रखे हैं, उनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। स्टैटिक जीके में इसको मैं पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा, कैसे आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। पहले आप टॉपिक्स देख लो, इंपॉर्टेंट कंट्रीज एंड कैपिटल्स, उनकी करेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जो आपके यहाँ भी कवर हो रहे हैं, यहाँ पे भी हो रहे हैं, नेशनल पार्क, क्लासिकल डांस, हर एक जैसे राजस्थान का क्लासिकल डांस क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। राजस्थान में नेशनल पार्क कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी हैं, रिवर्स कौन सी हैं, मॉन्यूमेंट्स कौन से हैं, उनके निक नेम, सिटीज़ के निक नेम, ठीक है ना, स्टेडियम एंड ग्राउंड कौन से, स्टेडियम कहाँ है, इंपॉर्टेंट डेज कौन से, उनका थीम क्या है, बैंक के हेडक्वार्टर, डैम्स, एयरपोर्ट्स, थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना, ये सब भी पूछ सकता है। और अच्छा एक चीज़ और होती है, हम लोग सोचते हैं कि वो रैंडमली कहीं से भी पूछ लेता है, नहीं ऐसा नहीं है ना। एग्जाम्स में जो भी, अगर आपका सपोज करो, अगर आपका राजस्थान आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, राजस्थान के ऊपर कोई न्यूज़ अभी अभी हुई है, तो वो क्या करता है ना, वो जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो इसी के अंदर से इसके स्टेडियम के ऊपर पूछ सकता है, इसके एयरपोर्ट के अंदर से पूछ सकता है, उसके थर्मल पावर प्लांट के ऊपर से पूछ सकता है। तो जो भी आपका स्टेट ट्रेंडिंग में ज़्यादा रहा है कुछ 4 5 महीने में, उसके रिलेटेड ही पूछता है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन ये मत सोचना कहीं से भी आ जाता है, नहीं, क्योंकि पूरी स्टैटिक जीके तो इतनी वास्ट है कि कोई याद नहीं रख सकता ना। तो एग्ज़ाम जो बनाते हैं उनका एक पैटर्न होता है, पैटर्न के हिसाब से ही बनाते हैं वो, ठीक है। ये तो बात हो गई जनरल अवेयरनेस की, कैसे प्रिपरेशन करनी है, करंट अफेयर डेली करने हैं, अभी हम देखेंगे कैसे, और इनको कैसे प्रिपरेशन करना है वो भी अभी हम देखते हैं आगे। कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर को आप हार्डली 20 दिन देना, जब आपका प्री आपको लगे क्लियर होने वाला है, उसके बाद वही मैं आपको बताऊंगा कैसे देना है, कब देना है,
क्या क्या आ सकता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल्स, शॉर्टकट कीज के बारे में, सिक्योरिटी टूल्स, लैंग्वेजेस, नेटवर्किंग, इंटरनेट, मेमोरी, लॉजिक गेट्स होते हैं, नंबर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट, एमएस ऑफिस, एमएस विंडोज, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वायरसेस के बारे में, हैकिंग टर्म्स। इतना अगर आप पढ़ लोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ 40 क्वेश्चन आएंगे ना, आप 40 में से 40 आप कर सकते हो, 40 में से 40 कर सकते हो। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि माउस इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, ट्रोजन क्या है, आपको सबको पता, नाम सुना होता है, ट्रोजन क्या होता है, वायरस ही तो होता है। तो इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आप अगर नाम चाहते हो तो आप देख सकते हो उठा के ना, इंटरनेट का फर्स्ट यूज़ कब हुआ था इंडिया में, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेसिक से, तो आप कर सकते हो। एब्रीवेशन, शॉर्टकट कीज़ पूछ लेगा आपसे, कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है, आपको सबको पता होना चाहिए, कंट्रोल प्लस सी है ना, इस तरीके से कट की क्या होती है, पेस्ट की क्या होती है, इस तरह की बेसिक चीज़ें पूछता है बहुत। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि मेंस से पहले मैं पूरा कंप्यूटर कोर्स एक बना दूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। अच्छा, हिंदी, कोई बच्चे हिंदी भी ऑप्ट कर सकते हैं, तो हिंदी के लिए हम इतना बता सकते हैं आपको, ग्रामर, जो हम हिंदी ग्रामर बोलते हैं, व्याकरण वो पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक जैसे वो इंग्लिश में पूछता है, पैराग्राफ जैसे इंग्लिश में पूछता है, मिस्टेक्स जैसे इंग्लिश में पूछता है, जिसको हम सेंटेंस करेक्शन या स्पॉटिंग एरर कहते हैं, पर्यायवाची जैसे सिनोनिम एंटोनिम्स पूछ सकता है। तो इसका कोई ज़्यादा, जो हिंदी में दे रहा है उसको पता होगा क्या क्या पूछता है, बेसिकली यही चीज़ें पूछता है और कुछ नहीं, जो आपका इंग्लिश में पूछता है वही हिंदी में होता है। न्यू पैटर्न क्वेश्चन, चलो हम देखते हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन, जिस तरह के हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं 2-3 साल में पिछले। तो पहला आपका ना क्वांट से अगर हम बात करें, तो एक तरह के क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू को कंपेयर करने के, क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू को कंपेयर करने के। इस क्वेश्चन में होता क्या है, देखो आपको ना एक स्टेटमेंट दे दी जाती है, जैसे सपोज करो हमें कोई स्टेटमेंट दी गई कि कुछ डिस्टेंस बता दिया और कुछ टाइम बता दिया, ठीक है ना, बोला कि कोई ट्रेन है जो कि जिसकी लेंथ सपोज करो उसने दे दी कुछ 1000 मीटर, 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर भी, तो 1000 मीटर की उसकी लेंथ है और वो किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पोल को या प्लेटफॉर्म को वो सपोज करो 10 सेकंड के अंदर पार करती है। ठीक है, इस तरह से आपको एक स्टेटमेंट दे देगा कि डिस्टेंस इतना है, इस पोल को 10 सेकंड के अंदर वो पार कर लेती है। तो पहली क्वांटिटी आपको देगा, जो पहली एक स्टेटमेंट देगा, दो क्वांटिटीज देगा आपको। पहली क्वांटिटी के सपोज करो उसने बोल दिया कि स्पीड बताओ ट्रेन की क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। दूसरे के अंदर कुछ भी बोल देगा कि एक मैन भी है जो कि ट्रेन की डायरेक्शन के अंदर ही भाग रहा है, एक मैन जो कि ट्रेन की डायरेक्शन में भाग रहा है और उसको टाइम कुछ लगता है, जो ट्रेन उसको जब पार करती है उसको सपोज करो पहले जो पोल को पार कर रही थी 10 सेकंड लग रहे थे, अब जो मैन भी उसकी डायरेक्शन में भाग रहा है उसको पार करने में उसे 2 मिनट लगते हैं सपोज करो, इस तरीके से। तो बोलेगा कि मैन की स्पीड कितनी है, स्पीड मैन की कितनी है। यहाँ से आपके पास दो स्पीड आ जाएंगी, यहाँ से भी आपके पास स्पीड आएगी, यहाँ से स्पीड किसकी आएगी, ट्रेन की, यहाँ से स्पीड किसकी आएगी आपके पास, मैन की, यहाँ से स्पीड आएगी पास ट्रेन की, यहाँ से आई मैन की। तो आपसे क्या पूछेगा, एक क्वांटिटी तो ये हो गई, एक क्वांटिटी ये हो गई, ये आपसे पूछेगा कि क्वांटिटी का कंपेयर करो, मतलब क्वांटिटी वन बड़ी है क्वांटिटी टू से या वन छोटी है टू से, है ना, या बोलेगा कि क्वांटिटी वन ग्रेटर देन इक्वल टू टू है या लेस देन इक्वल टू टू है या बोलेगा इक्वल है, इस तरह के ऑप्शन दे देगा आपको 5। ये क्वेश्चन आपको कुछ भी दे सकता है, टाइम एंड वर्क से भी दे सकता है, ज्योमेट्री से भी, मेंसुरेशन से भी दे सकता है, ठीक है ना, और परसेंटेज से रिलेटेड भी दे सकता है, रेशियो प्रोपोर्शन से, प्रॉफिट लॉस से। तो एक स्टेटमेंट देगा, दो चीज़ें पूछेगा, ठीक है, और बोलेगा जैसे यहाँ पे स्पीड पूछ रखी थी, दोनों से बोलेगा कि क्वांटिटी वन बड़ी है, अब मान लो क्वांटिटी इसकी वैल्यू आई 10, इसकी वैल्यू आई 20, तो ऑब्वियसली बात है क्या है, क्वांटिटी टू बड़ी है 1 से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये। तो ये क्वेश्चन आप कब सॉल्व कर पाओगे, जब को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू के अंदर वो किसी भी उससे पूछ सकता है क्वेश्चन,
या प्रॉफिट एंड लॉस से दे देगा, एसपीसीपी दे देगा, एक के अंदर बोल देगा इतने का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज है, दूसरे के अंदर इतना प्रॉफिट हो रहा है कितना प्रॉफिट परसेंटेज है, दोनों को कंपेयर करना है आपको कि फर्स्ट ज्यादा आया सेकंड, है ना, क्वांटिटी वन को क्वांटिटी टू से कंपेयर करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश के अंदर हमारे पास तीन तरह के हमको क्वेश्चन जो कि है मेनली दिखे थे, जो कि नए टाइप के थे। कौन कौन से दिखे थे आपको? एक तो वर्ड यूसेज, एक आपको दिखा था मैच द कॉलम, एक आपको दिखा था क्या वर्ड स्वैपिंग भी कह सकते हैं उसे हम, और या तो आप उसको कह सकते हो कि वो क्वेश्चन है वर्ड स्वैपिंग का, या कह सकते हो क्वेश्चन है वर्ड रिप्लेसमेंट का, ठीक है ना। तो हम तीनों को देखते हैं एक करके कि कैसे इसके अंदर आपके यूज क्या पूछता है। जैसे हम पहले बात करते हैं वर्ड यूसेज की, तो वर्ड यूसेज में आपको क्या करेगा, एक कोई वर्ड दे देगा आपको, कोई भी आपको एक वर्ड दे देगा। जैसे सपोज करो आपको उसने दे दिया, कोई भी आप वर्ड ले सकते हो उसके अंदर, आपको एग्जैक्ट वर्ड दे दिया उसने, ऐसे लिख के दिया एग्जैक्ट, ये वर्ड लिख देगा एक एग्जैक्ट। उसके बाद ना दो या तीन स्टेटमेंट लिखेगा, जनरली तीन स्टेटमेंट लिखता है वो, और वो क्या करेगा उन तीनों स्टेटमेंट्स के अंदर इस वर्ड को यूज करेगा एग्जैक्ट को, चाहे शुरू में करे चाहे बाद में करे, इन तीनों में ही एग्जैक्ट को यूज करेगा, ठीक है। और आपसे क्या बोलेगा कि आपको ये बताना है कि जो हमने वर्ड यूज करा है वो हमने किस कौन से सेंटेंस के अंदर करेक्ट वे में यूज करा है, मतलब जिस सेंटेंस के अंदर हमने इस वाले सेंटेंस में हमने एग्जैक्ट यूज करा है तो जो यहाँ पे उसका मीनिंग बैठ रहा है वो बिल्कुल सही है या गलत है, जो हमने यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड यूज करा है उसके हिसाब से ये सेंटेंस ठीक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। उसके बाद आपको पांच ऑप्शन दे देगा कि या तो खाली फर्स्ट सही है, या खाली सेकंड सही है, या खाली थर्ड सही है, या एक और दो सही है, या एक और तीन सही है, या ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि दो और तीन सही है, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। मतलब एक तो आपको वर्ड देगा, उसके बाद तीन उसके अंदर सेंटेंस दे देगा, तीन सेंटेंस के अंदर उसी वर्ड को यूज करेगा और बोलेगा कौन से सेंटेंस के अंदर वो वर्ड ठीक यूज हो रहा है, वर्ड यूसेज जैसे कि नाम से पता चल रहा है। अच्छा, मैच द कॉलम के अंदर क्या करेगा, आपको मैच द कॉलम के अंदर छह स्टेटमेंट देगा, तीन एक साइड पे और तीन एक साइड पे, एक कॉलम वन ये, एक कॉलम टू ये, तीन स्टेटमेंट यहां देगा और तीन ही स्टेटमेंट यहां देगा। और क्या पूछेगा ऑप्शन के अंदर आपको ऐसे देगा, ये ए बी सी डी एफ भी लिख सकता है या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स भी, बोलेगा वन टू सही है या टू फोर सही है या फाइव सिक्स सही है या वन सिक्स सही है या टू सिक्स सही है, इस तरीके से मान लो आपको छः पांच ऑप्शन दे देगा वो। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो वन है उसके बाद इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यूज होगी, सॉरी वन और टू नहीं देगा वो आपको, वो आपको जो देगा ना वन और टू नहीं देगा, वो आपको देगा वन या फोर, मतलब एक डिजिट एक कॉलम से और दूसरी दूसरे कॉलम से, वन या फाइव दे सकता है, वन या सिक्स दे सकता है, टू या सिक्स दे सकता है, टू या फोर दे सकता है, टू या फाइव दे सकता है, थ्री फोर दे सकता है, थ्री फाइव दे सकता है, थ्री सिक्स दे सकता है, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कि जो कॉलम वन है उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसकी कॉलम टू से कौन से स्टेटमेंट के साथ ठीक बैठ रहा है, ठीक है ना, इस तरह की चीज आपको दे सकता है जैसे। और ये आपको कैसे सॉल्व होगा, रीडिंग के बेस पे। अगर आपको रीडिंग पता है, मैं आपको कुछ मेथड बताऊंगा, अगर इसको हम कर पाए सॉल्व पहले एग्जाम से पहले, तो आपको कुछ मेथड बताऊंगा जिससे आप पहचान सकते हो कि फर्स्ट के बाद फिफ्थ आना है या सिक्स आना है या फोर आना है। तो इसमें से पांच ऑप्शन जो देगा, मान लो वन से फोर दे दिया, टू से बोलेगा सिक्स दे दिया, थ्री से बोलेगा फाइव दे दिया, या वन से सिक्स दे दिया, या टू से फोर दे दिया, इनमें से आप पता ना हो कौन सी सही है। तो आप, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सही तरीका क्या होता है, एलिमिनेशन। पहले आप एलिमिनेट करते हो कि इससे ये नहीं हो सकता, बाद में आपके पास एक या दो बचते हैं, और अगर एक बचा तो डायरेक्ट आंसर, दो बचे तो आपको थोड़ा सा उसमें लॉजिक लगाना पड़ता है, ठीक है। मैच द कॉलम में ही आता है वर्ड स्वैपिंग। वर्ड स्वैपिंग में किस तरह क्वेश्चन पूछता है देखते हैं हम। चलो को हटा देते हैं थोड़ा सा,
तो देखो क्या करता है वो, आपको एक पूरा सेंटेंस दे देगा बड़ा सा, दो तीन लाइन का, ठीक है, उसके अंदर कुछ दो तीन वर्ड्स को हाईलाइट कर देगा, एक दो तीन, तीन वर्ड्स को हाईलाइट कर देगा, ठीक है, और वो पूछेगा वर्ड रिप्लेसमेंट या वर्ड स्वैप, है ना, नाम से पता चल रहा है रिप्लेसमेंट, उसका रिप्लेसमेंट। तो अब क्या करेगा, चार ऑप्शन देगा या पांच ऑप्शन देगा, और पांच ऑप्शन में तीन वर्ड्स, तीन तीन वर्ड्स और लिखेगा। आपको क्या बताना है कि जो ये तीन वर्ड्स हैं इनको मैं कौन से तीन वर्ड से रिप्लेस कर सकता हूँ। सपोज करो उसका ऑप्शन आपका टू में मिल गया, मतलब जो आपका फर्स्ट वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड से रिप्लेस हो जाएगा, सेकंड वर्ड है वो सेकंड वर्ड से रिप्लेस हो जाएगा, जो थर्ड वर्ड है वो थर्ड वर्ड से रिप्लेस हो जाएगा। तो नाम से पता चल रहा है क्या, वर्ड रिप्लेसमेंट। ये हमने क्यों बताया ये क्वेश्चन न्यू पैटर्न के, क्योंकि ये थोड़ा नए पैटर्न के हैं और आप इस साल भी जो है इसको आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो IBPS शायद इसी तरह के क्वेश्चन इस बार भी दे सकता है। तो आप पहले से, आप जो क्वेश्चन की डायरेक्शन है ना वो आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े एग्जाम में, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस करा है ताकि आप इसको जो डायरेक्शन है उसको पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। मैच द कॉलम देख के आप समझ जाए वो आपसे क्या पूछ रहा होगा, वर्ड यूसेज का क्वेश्चन आया उसको देख के आप समझ जाए, वर्ड रिप्लेसमेंट का आया समझ जाए, क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू आया तो समझ जाए, ठीक है ना। भाई इतना सा बेसिक था, बाकी हम अगला देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे पास, टाइम मैनेजमेंट, मतलब कैसे हम अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे हमको कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है, कब देना है, कैसे देना है। चलो बात करते हैं, पांच आपके पास जो है टॉपिक्स हैं, पेन चेंज कर लेते हैं हम पहले, पांच टॉपिक है आपके पास, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस या जीके और कंप्यूटर। इंग्लिश और हिंदी, जो हिंदी कर रहा है वो उसके लिए हिंदी वाला पैटर्न सेम रहेगा, इंग्लिश कर रहा है इंग्लिश। तो देखो कैसे देना है आपको टाइम, मैं आपको पूरे डे का एक आपको बता रहा हूँ कि आपको कितने बजे से आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है, क्योंकि आपके पास, आप ये मान के चलो ना प्री के लिए मेरे पास लगभग 60-65 डेज है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ टाइम इससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको। क्यों, उसका रीज़न है जो आपका एग्ज़ाम है वो सितंबर में नहीं हो पाएगा ड्यू टू कोविड-19, लेकिन जो कि नोटिफिकेशन में अगर ऐसा लिखा है तो हम ये मान के चलते हैं कि 60-65 डेज हमारे पास हैं अभी, सितंबर को ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले सुबह मॉर्निंग सुबह 7 से 10 वन आवर आपको देना है न्यूज़पेपर को। मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप देखो क्या क्या टाइम किसको देना है। वन आवर न्यूज़पेपर को देना है, वन आवर आपको देना है किसको, करंट अफेयर्स को, करंट अफेयर्स को, और वन आवर आपको देना है वोकैब को, वोकैबुलरी को। और ये जो आपको शेड्यूल है ना ये आपको पूरे मेंस तक, लगभग 100 डेज हमने देखे थे मेंस तक हमारे पास हैं, पूरे 100 डेज आपको ये वाला जो है फॉलो करना है शेड्यूल, 1 घंटे न्यूज़पेपर, 1 घंटा करंट अफेयर, 1 घंटा वोकैब। अब बात करते हैं इनको पढ़ना कैसे है, है ना। तो न्यूज़पेपर आपको जो पढ़ना है ना सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कुछ भी चीज़ आपको करनी है, चाहे प्रैक्टिस करनी है, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे कुछ भी पढ़ना है या कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन करना है। तो 1 घंटा क्या करना है आपको, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कोई भी, बहुत सारी ऐप्स आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी न्यूज़ की, है ना, नहीं तो आप ऑनलाइन गूगल के ऊपर भी डाल सकते हो न्यूज़, गूगल न्यूज़ होती है, या हिंदुस्तान टाइम्स ऑनलाइन पढ़ सकते हो। आपको ना सिर्फ कुछ चुनिंदा आर्टिकल्स पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू आप करंट अफेयर नहीं तैयार करोगे। क्यों, न्यूज़पेपर इतना वास्ट आता है, इतना वास्ट होता है कि आप पूरा करंट अफेयर न्यूज़पेपर से 1 घंटे में नहीं तैयार कर सकते, और 4 घंटे भी खाली न्यूज़पेपर को नहीं दे सकते। तो करंट अफेयर आपको न्यूज़पेपर से नहीं प्रिपेयर करना है, न्यूज़पेपर सिर्फ आपको अपनी रीडिंग प्रैक्टिस के लिए पढ़ना है, अपनी रीडिंग पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी वोकैब को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, और ग्रामर को अच्छा करने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है 1 घंटा। कैसे, कुछ आर्टिकल्स इसमें पढ़ने हैं, आप कोशिश करो लगभग 10 आर्टिकल्स आप न्यूज़पेपर से रोज पढ़ लो, 10 से 15 आर्टिकल 1 घंटे में आराम से पढ़ सकते हो। और आर्टिकल किस बेस पे पढ़ने हैं, ऐसे नहीं पढ़ने हैं आर्टिकल्स की कल महाराष्ट्र में किसी ने किसी को गोली मार दी, ना इस तरह के आर्टिकल नहीं,
आपको जो आर्टिकल पढ़ने हैं वो या तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड पढ़ो आप, है ना, चाहे बिजनेस रिलेटेड पढ़ो, बैंकिंग से रिलेटेड, अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो बैंकिंग का आर्टिकल पढ़ो। आपके एक तो उससे क्या फ़ायदा होता है, जो बैंकिंग की टर्म्स हैं आपकी वो क्लियर हो जाती हैं, आपकी स्पीड रीडिंग की बढ़ जाती है, और करंट अफेयर्स भी कुछ कुछ ना कुछ उसमें कवर हो जाते हैं। तो बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, बिजनेस से रिलेटेड हो गई, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो गई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गई, इस तरह की न्यूज़ आपको पढ़नी है। और 10 आर्टिकल ऑनलाइन पढ़ने हैं, ऑनलाइन ही पढ़ने हैं, 10 आर्टिकल ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो रोज, और ये आपको पूरा मेंस तक करना है। ठीक है, ये तो था मेरा पढ़ने का मेथड न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको कैसे पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि आपको मैंने बताया 35 मार्क्स के लगभग करंट अफेयर थे, 200 में से 35 नंबर के एक टॉपिक सिर्फ करंट अफेयर, तो 2 दिन की आपको डेली कवर करने हैं, 2 डेज के। और शुरू आप कब से कर सकते हो, देखो आपका एग्ज़ाम जो कि है मेंस का लगभग वो लिखा हुआ है अक्टूबर के अंदर ना, तो अगर मैं अप्रैल से शुरू कर लूँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने हो गए आपके पास, तो अब अप्रैल से शुरू कर सकते हो। और अगर किसी बच्चे को और ज़्यादा पढ़ना है तो वो जनवरी से शुरू कर सकता है, लेकिन आप, मैं कहूँगा अप्रैल से शुरू करो। 6 मंथ के बहुत होते हैं करंट अफेयर, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है, 6 मंथ के करंट अफेयर बहुत होते हैं। तो 1 अप्रैल से शुरू करो आप, रोज 2 दिन के पढ़ो, पहले दिन आपको 1 और 2 अप्रैल के पढ़ने, अगले दिन आपको 3 और 4 अप्रैल के। अच्छा, जब आप पहले दिन 1 और 2 अप्रैल के पढ़ लोगे ना, दूसरे दिन आप 3 और 4 के पढ़ो, तीसरे 5, अगर आप चाहो तो उसके नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि नोट्स आपके क्या होगा, जब आपका एग्जाम आने वाला होगा मेंस, तो आप फिर से उनको रिवाइज करने क्या कहाँ जाओगे, नोट्स के ऊपर। तो नोट्स आपको ब्रीफ में बनाने हैं, ठीक है ना, ब्रीफ में, पूरा पूरा नहीं लिखना है, ब्रीफ में बनाने हैं नोट्स आपको। और जब आप इस दिन का पढ़ने जाओगे, जब आप सेकेंड डे पे आओगे, जब आप 3 और 4 अप्रैल के पढ़ रहे होंगे, 10 मिनट या 5 मिनट लगा के आपको इनको रिवाइज करना है, प्रीवियस डे के आपको जरूर रिवाइज करने हैं। जब आप थर्ड डे पे जाओगे, थर्ड डे पे, तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4, 4 अप्रैल तक के फिर से रिवाइज करने हैं। फोर्थ डे पे जाओगे तो 1 2 3 4 तो करने करने, 5 और 6 के भी रिवाइज करने हैं, ये सारे आपको फिर से रिवाइज करने हैं। क्यों, जैसे आप रिवाइज करते रहोगे आपके दिमाग में ऐसे वो फिट हो जाएंगे कि आपको क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में उसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस लगभग पिछले 100 दिनों से वही करंट अफेयर पढ़ रहे हो। और करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत, मतलब आपको मार्क्स अच्छे दिला सकता है, और बिल्कुल परफेक्ट आपको पता होगा कि मेरा आंसर सही है, शॉर्टी के साथ उसका आंसर लगा सकते हो। तो 2 दिन के करंट अफेयर पढ़ने, करंट अफेयर पढ़ने कैसे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते आप अपना बैंकिंग अवेयरनेस और स्टेटिक जीके तो उसी में कवर कर सकते हो। देखो कैसे, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए एक तो करंट अफेयर लेते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वीकली करंट अफेयर लाएं, वीकली करंट अफेयर्स, और जिस वे में मैं आपको बता रहा हूँ उसी वे में हम लाएंगे। ठीक है, तो सपोज करो एक हम करंट अफेयर लेते हैं, अभी आपको पता होगा विराट कोहली को, विराट कोहली इंडिया के जो क्रिकेटर हैं, उनको जो आपका फॉर्ब्स की लिस्ट जो निकालता है फॉर्ब्स हर ईयर, टॉप 100 एथलीट्स की एक लिस्ट निकालता है फॉर्ब्स, उसके अंदर एक सिर्फ जो इंडियन प्लेयर है वो कौन है, विराट कोहली। विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जिसको फॉर्ब्स की टॉप 100 लिस्ट के अंदर नाम मिला है। कौन सी रैंक पे रहे हैं वो, 66 रैंक पे रहे हैं। अच्छा, ये तो आपका हो गया करंट अफेयर, ये तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। अब जो एक्स्ट्रा एजुकेशन आपको लेनी है वो क्या लेनी है, फर्स्ट नंबर पे कौन रहा, रोजर फेडरर। फर्स्ट नंबर पे कौन रहा, रोजर फेडरर। अच्छा, रोजर फेडरर कौन है, टेनिस प्लेयर, कौन सी कंट्री का, स्विट्जरलैंड, स्विस, स्विस के टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर हैं। अब स्विस का नाम है, मतलब स्विट्जरलैंड का नाम है, आपको पता होना चाहिए इसकी कैपिटल क्या है, स्विट्जरलैंड कैपिटल क्या है, बर्न। अब अगर वो आपके स्टैटिक जीके में जाएगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है। आप सोचोगे ये तो उसने रैंडमली क्वेश्चन पूछे, लेकिन उसने रैंडमली नहीं पूछा, वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, यहाँ से पूछा है कि अगर आप विराट कोहली के बारे में और फॉर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि फर्स्ट पे कौन आया, फर्स्ट पे कौन आया, रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर फर्स्ट पे आया तो वो क्या है, स्विस का टेनिस प्लेयर, स्विस का टेनिस प्लेयर, तो स्विस की कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए, उसकी करेंसी पता होनी चाहिए, उसका प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है स्विट्जरलैंड का, साइमनेटा, साइमनेटा सोमरोगा,
साइमोनेटा सोमोरू का, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आपके करंट अफेयर तैयार किए जाते हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक दिन में दो दिन के पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, ताकि आप इन चीज़ों को भी कर पाओ इजीली, है ना। इन चीज़ों को भी आप माइंड में रख के सॉल्व कर पाओ, इन चीज़ों को माइंड में रख के आप करंट अफेयर तैयार कर पाओ, जिससे आपका स्टैटिक वहीं के वहीं तैयार होता रहे। अब आप एक बात देखो, आपका करंट अफेयर विराट कोहली वाला तो हो गया, रॉजर फेडरर वाला भी हो गया, उससे आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल गई एक, तो कि रॉजर फेडरर जो है फर्स्ट नंबर पे आया, स्विस के टेनिस प्लेयर है, और स्विस की कैपिटल क्या है, बर्न, स्विस के प्रेजेंट का नाम क्या है, सामानेटा सोमारका, ठीक है। अच्छा, ये स्पोर्ट्स की होगी। मान लो आपको एक और करंट अफेयर हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, सपोज करो जो हमारा तेलंगाना है, अभी 2 जून को तेलंगाना के अंदर फॉर्मेशन डे बनाया गया, 2 जून को फॉर्मेशन डे। ये आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है कि विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स फॉर्मेशन डे ऑन 2 जून, तो आपको क्या लिखना है, तेलंगाना, ठीक है। या इस तरह से पूछ सकता है कि तेलंगाना सेलिब्रेटेड इट्स फॉर्मेशन डे ऑन विच डेट, तो आपको क्या लिखना है, 2 जून, ठीक है। ये तो आपका हो गया करंट अफेयर। अब इसके पीछे जो आपके आइडियाज छुपे हुए थे वो कैसे करने हैं आपको, आपको ये देखना है तेलंगाना किस ईयर में बना, ये आपका स्टैटिक जीके में पूछ सकता है 2014 में। आइडिया इसका 2013 में जनरेट हुआ था, लेकिन वो एक्चुअली बना 2014 में। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पूछ सकता है आपसे ना, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो कि अभी भी वही है, कौन है, के चंद्रशेखर राव। अभी भी सीएम वहां के कौन है, चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव, ठीक है ना। अच्छा, तेलंगाना की कैपिटल, कैपिटल आपको जरूर याद रखनी है हर एक स्टेट की, कैपिटल क्या है तेलंगाना की, हैदराबाद, ठीक है, ये पता चल गया। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज जो यहाँ पे बोली जाती है वो कौन सी है, ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु। अब ये करने में आपको हार्डली, मेरे को लगता है कि 1 मिनट भी नहीं लगने का आपको ये सब चीजें पढ़ने में। जब इसके नोट्स बनाओगे तो कैसे बनाओगे, अच्छा नोट्स बनाने का तरीका भी देख लो आप, चीजों को जब सिस्टमेटिक वे में करते हो तो बहुत आसान हो जाती है ना। करंट अफेयर तो इतना बढ़िया चीज है कि आप उससे आराम से मार्क्स ले सकते हो बहुत इजीली। टाइम ले रहा है आज, चलो। तो करंट अफेयर में आपको नोट्स बनाने थे, कैसे बनाने थे, तेलंगाना लिखना था, फॉर्मेशन डे 2 जून, जब नोट्स बनाओगे इस तरीके से लिखोगे, और पढ़ने का तरीका क्या है, तेलंगाना का फॉर्मेशन डे था 2 जून को, तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद, कैपिटल क्या है, हैदराबाद, तेलुगु लिखना है, ऑफिशियल लैंग्वेज शॉर्टकट में आप ताकि पहचान पाओ, ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु, सीएम प्रेजेंट और जो उस समय बने थे सेम ही है, के चंद्रशेखर राव, ठीक है। तो कब बना था, 2014 में, ऐसे लिखना है आपको, ये आपका करंट अफेयर हो गया, एक तैयार हो गया आपका, जिसमें आपके कितने सारे स्टैटिक जीके के हो गए, कैपिटल पता चल गया आपको, ऑफिशियल लैंग्वेज पता चल गया आपको, वहाँ के सीएम पता चल गए, किस डेट को बना वो पता चल गया। और एक बार आप इनको लिख लोगे और बार बार रिवाइज करोगे तो आपको कभी नहीं भूलोगे इसको, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, करंट अफेयर। चलो अब हम बात करते हैं वोकैब की, एक घंटा आपको क्या करना है ना, वोकैब भी तो करना है आपको एक घंटा। ठीक है, एक घंटा आपको क्या करना है, वोकैब कैसे करना है, एक तो आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में से कुछ वर्ड आपको ऐसे मिलेंगे जिसका आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगा, और कोई भी आप न्यूज़पेपर उठाते हो, आप कोई भी एक न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स को ले लो, इकोनॉमिक टाइम्स को ले लो, वो बार बार उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हैं अपने आने वाले आर्टिकल्स में। आप देखोगे ये चीज़, आप 1 महीने तक एक ही न्यूज़पेपर पढ़ो, आप देखोगे कि जो वर्ड यूज़ कर रहा है आज एक आर्टिकल में, 5 दिन बाद आपको वही वर्ड किसी और आर्टिकल में मिल जाएगा, 10 दिन बाद आपको वही वर्ड किसी और आर्टिकल में मिल जाएगा। तो सेम वर्ड यूज़ करते हैं, तो जो आपको वर्ड समझ में नहीं आते हैं आप उसको एक कॉपी पे लिखते रहो, और बाद में उनका मीनिंग गूगल से ढूंढ के उनको एक कॉपी के अंदर तैयार कर लो, और कोशिश करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करो,
ताकि जब वो नेक्स्ट बार वर्ड आए तो आपको ढूंढने में उसको प्रॉब्लम ना हो। एक कॉपी अलग से बना लो, ए लिखो पांच पेज छोड़ दो, बी लिखो पांच पेज छोड़ दो, सी वर्ड लिखो पांच पेज छोड़ दो, अल्फाबेटिकली के हिसाब से आप उस वर्ड एसिमिलेट है, जैसे मान लो एसिमिलेट, आप इस वर्ड को ए के अंदर लिखो और कॉपी के पहले पेज पे आपने ए के वर्ड लिख लिया, एसिमिलेट लिख लिया। अब जब नेक्स्ट वर्ड ये वर्ड आएगा तो आप ए के अंदर ही ढूंढोगे उसको, आपको पूरी कॉपी अपनी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ए के अंदर ही उसको आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है वॉकअप करने का हमारा, आपको पता है वर्ड पावर एक बुक आती है नॉर्मन लिविस की, उसको उसके थ्रू आप कर सकते हो, क्योंकि वो उसके अंदर इतना अच्छा तरीका से सिखाते हैं जिसके अंदर रूट है ना, वर्ड्स की जो रूट होती है उसके ऊपर क्वेश्चन सिखाते हैं वो, तो उसके अगर आप रूट सीख जाते हो ना वर्ड की तो उसके थ्रू बहुत सारे वर्ड्स आपके कवर हो जाते हैं, और उस रूट के थ्रू अगर आपको रूट का मतलब पता चल गया और एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आया चाहे आपको उसका एक्चुअल मीनिंग ना पता हो लेकिन अगर आपको रूट पता है आपको उसकी, तो मतलब आप उसका एक अप्रॉक्सीमेट मीनिंग निकाल सकते हो एग्ज़ाम के अंदर कि इसका अप्रॉक्सीमेट मीनिंग ये होगा। तो रूट के मेथड से सिखाते हैं, आप नॉर्मल लिविस की वर्ड पावर मेड इजी देख सकते हो, पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। ये तो हो गए हमारी 7 से 10 बजे जो हमको करना है 3 घंटे। अब क्या करना है, 2 घंटे आप आराम करो, 12 बजे से फिर पढ़ने बैठो, 12 से 4 आपको क्वांट्स करनी है, 12 से 4, क्योंकि क्वांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा 40 नंबर की तो वो प्री के अंदर आ रही है, 50 नंबर की मेंस में, मतलब अगर 380 नंबर का एग्ज़ाम है, 280 का, अगर 200 नंबर का मेंस और 80 नंबर का प्री, तो 280 का एग्ज़ाम है, 280 में से देखो 90 नंबर का क्वांट्स आ रही है और 90 ही नंबर की रीजनिंग भी है, ठीक है ना। तो क्वांट्स और रीजनिंग आपको अच्छे से करनी है। अच्छा, 2 घंटे, अब 4 घंटे आपके पास है क्वांट्स के लिए, कैसे यूटिलाइज़ करना है आपको इसको, तो मैंने आपको बताया था जो जो चीज़ आपको मैंने डेली करने के लिए बताई थी, क्या बताया था डेली करने के लिए मैंने आपको, स्पीड मैथ, नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन और सिंप्लीफिकेशन। तो शुरू के 2 आवर्स तो आप यही करोगे, ज़्यादा टाइम आप किसको दोगे, DI को, 15 से 20 मिनट आप DI को दोगे, डाटा समझोगे, आराम आराम से डाटा समझोगे शुरू के 10-15 दिन, ताकि आपको उसकी हैबिट हो जाए डाटा समझने की, और 5-5, 10-10 क्वेश्चन लगभग सॉल्व करोगे। कोई बच्चा हो सकता है इस चीज़ को 1.5 आवर्स में ही कर ले, तो वो 2.5 घंटे बाकी अपना कौन से टॉपिक को देगा, जो हमने 45 डेज वाले अपने प्लान बनाए थे ना, हमारा 45 डेज वाला प्लान था, ये देखो ये था ना, इसको देना आपको 2.5 आवर। जैसे आप रेशियो आज पढ़ रहे हो तो 2.5 घंटे आप रेशियो ही पढ़ोगे एक दिन, फिर दूसरे दिन भी रेशियो, तीसरे दिन भी रेशियो, आपका 3 दिन में रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। 7.5 आवर्स बहुत है एक टॉपिक के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वांट, जो आपको 12 से 4 तक करनी है क्वांट सी, और करना क्या, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने, ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करने, ऑफलाइन नहीं करने, ऑनलाइन ही करने, ठीक है। चलो, और अच्छा 45 डेज तक तो आप ये कर लोगे ना, 45 डेज तक आपकी ये पूरी ये वाला जो पार्ट है आपका 2 या 2.5 घंटे वाला, ये वाला आपका पूरा हो जाएगा 45 डेज में। उसके बाद आपके प्री के लिए लगभग 15 दिन तो आपके पास बच रहे हैं, आप इन 15 दिन में क्या करोगे, मॉक टेस्ट। चाहो तो आप खाली क्वांट का मॉक टेस्ट उठा के पूरा कर सकते हो, या पूरा सारे सब्जेक्ट का उठा के मॉक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, रीजनिंग। अब हम करेंगे तैयार अपनी रीजनिंग, कैसे करेंगे, उसके लिए कितना टाइम देना है, कब देना है, देखो रीजनिंग के लिए 4 बजे तक आपने करी मैथ्स, फिर 2 घंटे आराम करो, जो भी आपको करना है एंटरटेनमेंट के लिए वो करो, क्योंकि पढ़ने के साथ थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना भी जरूरी है, तभी वो जो आपकी चीज़ें हैं ना वो माइंड अच्छे से उनको ग्रास्प कर पाता है, ठीक है। तो 6 से 9 रीजनिंग करो, शुरू के 1 से 1.5 आवर्स आप दो, जो हमको डेली टॉपिक करने हैं कौन कौन से, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। मेरे को लगता है 1 घंटा पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट दो दो भी आप करते हो तो बहुत है, 15 मिनट के अंदर आप एक पजल करो, 15 मिनट के अंदर दूसरा पजल करो, आधा घंटा, 15 मिनट के अंदर एक सिटिंग अरेंजमेंट, 15 मिनट का दूसरा। सीखने के लिए एग्जाम में तो आपको 2 से 3 मिनट के 5 मिनट के अंदर ही पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा, लेकिन सीखने के लिए आप इतना टाइम दो शुरू में, ताकि अच्छे से आप उसको सीख पाओ। कोई बच्चा हो सकता है कि
5 मिनट के अंदर पजल कर ले तो वो 5 मिनट के अंदर एक पजल कर लेता तो 3 पजल सॉल्व कर सकता है पूरे दिन में, मतलब अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो जो शुरू में बच्चे हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी है उनको थोड़ा टाइम लगेगा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने में, तो वो 1 घंटा इसको दे सकते हैं। और जो हाफ आवर है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उसमें कुछ क्वेश्चन इनइक्वालिटी कर लो 5-10 क्वेश्चन, सिलॉजिज्म के कर लो 5-10 क्वेश्चन, आधे घंटे में आराम से हो जाएंगे। एक आध क्वेश्चन आप इनपुट आउटपुट कर लो रोज, बाकी का 1.45 आवर्स जो है जो आपके अलग टॉपिक्स थे उनको आप दे सकते हो। क्वांट्स और रीजनिंग में हमने ज़्यादा टाइम लिया है क्योंकि 90-90 नंबर 180 में से 180 नंबर के तो यही आने हैं, तो आपकी ये बिल्कुल प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। इनइक्वालिटी कर सकते हो, सिलॉजिज्म कर सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग जो भी आपको टॉपिक लगता है कि मुझे आज यहाँ से शुरू करना चाहिए वो आप कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करना कि जिस वे में हमने ये लिखे हैं उसी वे में सॉल्व करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये मैंने जिस वे में लिखा है उसी वे में सॉल्व करना है, तो क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं रेशियो प्रोपोर्शन का यूज़ आपका पार्टनरशिप में है, परसेंटेज के अंदर रेशियो प्रोपोर्शन का यूज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन का यूज़ है। तो जब आप एक सिस्टमेटिक वाइज करते जाओगे, पहले आपने ये कर लिया और ये कर लिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस समझने आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो हमने सिस्टमेटिक वे में ही ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसी वे में आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो अगर किसी की थोड़ी रीजनिंग स्ट्रांग है तो वो इसको 2.5 घंटे भी कर सकता है, आधे घंटे में वो कुछ और कर सकता है, ठीक है ना। तो एक बेसिक आप क्या करना है, रीजनिंग करनी है 3 घंटे 9 बजे तक, 9 से 10 आप अपना डिनर वगैरह करो, आपको जो करना है करो, 10 से 11 सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटे के लिए आपको क्या करना है, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दो। एक दिन आप बैठ के बनाओगे स्टैटिक ग्रामर के सिर्फ नोट्स, सिर्फ नोट्स। दूसरे दिन आप क्या करोगे, स्टैटिक जीके। दूसरे दिन आप क्या करोगे, 1 घंटा ग्रामर। तीसरे दिन आप क्या कर सकते हो, 1 घंटा कंप्यूटर। तो अगर आप 1 जुलाई से सपोज करो, आप 5 जुलाई यार आप 5 जुलाई से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या 6 से कर रहे हो स्टार्ट, तो 6 जुलाई को 1 घंटा स्टैटिक जीके को दो, फिर 7 जुलाई को ग्रामर को दो, 8 जुलाई को कंप्यूटर को दो, फिर 9 जुलाई को स्टैटिक जीके, 10 जुलाई को ग्रामर, 11 जुलाई को कंप्यूटर। इस तरह आपका कंप्यूटर भी साथ के साथ तैयार होता रहेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप 1 घंटा कंप्यूटर को दे रहे हो तो 20 से 30 घंटे कंप्यूटर के लिए बहुत है, तो 20 से 30 दिन के अंदर आपका कंप्यूटर पूरा खत्म हो जाएगा। ग्रामर तो बहुत लंबी है, ग्रामर आप पढ़ते रहो जितना आपको मन करता है, अगर करता है मन, वरना आप अगर रीडिंग और वोकैबुलरी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी पूरी इंग्लिश सॉल्व करवा देंगी। पूरी इंग्लिश का मतलब आपको 40 में से 40 तो आप कर भी नहीं सकते, ना करने हैं और ना कर सकते, जितने आपको चाहिए वो रीडिंग वोकैबुलरी आपके सॉल्व करवा देगी। तो आप ग्रामर को एक बार को छोड़ सकते हो। स्टैटिक जीके भी आपके, मैं आपको बता दूं, 32 से 35 क्वेश्चन तो गारंटेड करंट अफेयर्स से ही पूछे जाने हैं। बाकी जो स्टैटिक जीके है वो आप, मैंने आपको बता दिया, करंट अफेयर्स के अंदर आप तैयार कर रहे हो, और अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो स्टैटिक जीके के नोट्स आप बना सकते हो। और कंप्यूटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको कंप्यूटर भी करते रहना साथ के साथ तैयार, क्योंकि प्री, आप सोचो कि प्री के बाद मैं सब चीज़ें तैयार कर लूँगा अलग से, फिर अगर मेरा प्री क्लियर होने वाला होगा तो मैं मेंस की तैयारी करूँगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, आपको साथ के साथ ही तैयारी करनी पड़ेगी, रीडिंग की भी, वोकैब की भी, करंट अफेयर्स की भी, कंप्यूटर की भी, स्टैटिक जीके की भी, ग्रामर की भी, ठीक है। तो ये तो मेरा शेड्यूल हो गया। स्टैटिक जीके पढ़ने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, बहुत अच्छा। तो स्टैटिक जीके पढ़ने का क्या तरीका है हमारे पास, देखो, आपको आपको ये पता है हमारे पास टोटल स्टेट्स और यूनिट टेरिटरीज कितनी है। टोटल स्टेट्स हमारे पास है कितना, 28, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी कितनी है टोटल, 8, मतलब कितनी हो गई है टोटल, 36। आपको क्या करना है, फर्स्ट डे, क्योंकि आपका जो स्टैटिक जीके है वो तो आपका मेंस में आना है, तो लगभग 100 दिन है आपके पास, 36 × 2 भी आपके पास कितना होता है, 72 ही हुआ सिर्फ। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास स्टेट लिया आपने राजस्थान, राजस्थान के अंदर आपको क्या करना है, पहले इसकी कैपिटल क्या है, सीएम कौन है, बेसिक चीज़ें आपको देख लेनी है, कितना एरिया है, कितनी पॉपुलेशन, ये आपकी पूछनी जाती है, आपकी नॉलेज के लिए देख सकते हैं। बाकी क्या पूछ सकता है, यहाँ पे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है, एयरपोर्ट कौन से है, डैम्स कौन से है, रिवर कौन सी है, ठीक है ना, इस डांस कौन सा है क्लासिक, इस तरह की चीज़ें। तो आपको क्या करना है, पहले दिन आप उनके नेशनल पार्क जो है, ठीक है, वहाँ पे जो भी एयरपोर्ट्स हैं,
नोट्स बनाने हैं आपको सिर्फ, अभी आपको याद कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाने हैं स्टैटिक जीके में। याद आप कब करोगे, जब आपके 72 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप उनको रिवाइज करना शुरू करोगे। तो आपको लगभग 28 डेज रह गए ना आपके, तो तब आपको दिमाग में रिटेन रह पाएगा। अगर आज से याद करना शुरू करोगे तो आप 100 दिन बाद उसको भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ नोट्स बनाने हैं, ताकि आप जब पढ़ने बैठो ना, उसको रिवाइज करने बैठो, तो आपको अलग अलग चीज़ें ना ढूंढनी पड़े, एक ही जगह आपको सब चीज़ें मिल जाएं। कि मेरे पास इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क लिख लिए, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट लिख लिए, इंपॉर्टेंट डैम्स लिख लिए, इंपॉर्टेंट रिवर्स लिख ली, ठीक है ना, मॉन्यूमेंट्स लिख लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वहाँ, राजस्थान के बारे में थोड़ा बहुत लिख लिया कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी, इनसे पहले कौन से थे, ठीक है, और राजस्थान के अंदर क्या अभी कुछ ऐसी चीज़ कोई स्कीम लागू हुई है या कुछ हुआ है राजस्थान के अंदर जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इस तरह की चीज़ें आप बेसिक लिख सकते हो, है ना। जैसे कि जानते हो राजस्थान सबसे पहला स्टेट था अभी जिसने, जो ही रामदेव ने दवाई बनाई कोरोनिल, उसके ऊपर बैन लगाने वाला राजस्थान फर्स्ट स्टेट था, है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो इसके पॉइंट्स में, ताकि जब राजस्थान के बारे में पढ़ो तो आप ये भी पढ़ लो, और ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू बैन द कोरोनिल मेडिसिन, ठीक है। ये इस तरह से एक स्टेट की 2 दिन में आपको बनाना है। दूसरे स्टेट पे आओ, फिर दिल्ली में आओ, दिल्ली को ऐसे आपको दिल्ली के नोट्स बनाने हैं 2 दिन में। फिर महाराष्ट्र पे आओ, 2 दिन में महाराष्ट्र के। इस तरह से 72 दिन में आपके सारे स्टेट्स के नोट बन जाएंगे। और देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़ और, क्या क्या कवर हो जाएगा आपका। नेशनल पार्क कवर हो गए, क्लासिकल डांस, रिवर, मॉन्यूमेंट्स, निकनेम्स, स्टेडियम ग्राउंड, डैम्स, एयरपोर्ट्स और थर्मल, ये चीज़ें आपकी सपोज करो, ये सारी चीज़ आपकी कवर हो गई। क्या क्या बच गया, इंपॉर्टेंट कंट्रीज एंड कैपिटल, ये आप कहाँ कवर कर रहे हो, करंट अफेयर्स में, जिस भी कंट्री का नाम आता है उसकी कैपिटल और करेंसी आप वहाँ पे कवर कर रहे हो, ये भी कवर हो गई। ऑर्गेनाइजेशन वाला आप एक दिन मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, सारे ऑर्गेनाइजेशन लिखो, सबके हेडक्वार्टर लिखो, सबके फुल फॉर्म लिख लो, क्लियर। इंपॉर्टेंट डेज की हम वीडियो सोच रहे हैं बनाएंगे जरूर, जनवरी के हम डाल चुके हैं, उसी के बेस पे हम सारे जो हैं पूरे मंथ की बनाएंगे, वो भी आप पढ़ सकते हो। बैंक के हेडक्वार्टर आप मुश्किल से 1 घंटे के अंदर सारे लिख सकते हो। स्टैटिक जीके आपकी इस तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके अपने आप पूरी स्टैटिक जीके तैयार हो जाएगी। स्टेट वाइज करनी है, पहले राजस्थान के बारे में लिखा 2 दिन, दिल्ली के बारे में 2 दिन, 70-72 दिन तक आप लिखते रहे, उसके दिन से अगले दिन आपको उसको रिवाइज करना शुरू कर देना। जब आप लिखते हो तो वैसे आपको काफ़ी कुछ याद हो जाता है, और बचे हुए दिन में आप 8-10 दिन, 28 दिन में से जो आपके बचे ना, 28 दिन में आप 10-15 दिन आप इनको कर सकते हो तैयारी। मैं आपको बताया, एक कैप्सूल डाउनलोड कर लो कोई भी नेट से और उसको तैयार कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अब तक सारे टॉपिक्स आपके कवर हो चुके होंगे जब आप मेंस तक जाओगे। 45 डेज के अंदर आपकी क्वांट ख़त्म हो गया, और 40 दिन में आपकी रीजनिंग, जो टॉपिक्स थे जो डेली वाले हैं वो आपको पूरा मेंस तक करने हैं, जैसे स्पीड मैथ, सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रेशन, नंबर सीरीज, ये आपको पूरा मेंस तक करने ही करना है। पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, इनपुट आउटपुट, ये आपको मेंस तक करने ही करने हैं। और जो बाकी बचा हुआ टाइम, जब आपके 45 डेज और 40 डेज वाला प्लान ख़त्म हो जाएगा, तो जो आपके बचे हुए टाइम है उसके अंदर आप क्या लगाओगे, मॉक टेस्ट जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और सिर्फ ऑनलाइन, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। और ठीक है ना, अब चलो आगे चलते हैं। स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या देखो, एग्ज़ाम में 2 तरह के बच्चे बैठते हैं, बल्कि 3 तरह के, एक तो सिर्फ स्मार्ट वर्क ही करने वाले, एक सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करने वाले, और एक बच्चा वो जो स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क करता है। सिलेक्शन किसका होता है, इसका। जहाँ पे हार्ड वर्क चाहिए वहाँ पे वो हार्ड वर्क करेगा, हार्ड वर्क, और जहाँ स्मार्ट वर्क चाहिए वो स्मार्ट वर्क करेगा। कहाँ हार्ड वर्क चाहिए, कहाँ स्मार्ट वर्क चाहिए, देखो सबसे पहला जो आपका स्मार्ट वर्क है वो क्या है, एक बच्चा सिर्फ प्रैक्टिस ऑनलाइन करता है, वो आपका क्या है, स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क नहीं। आपको प्रैक्टिस सिर्फ ऑनलाइन करनी है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ऑफलाइन नहीं करनी है। आप एक बार एक एग्ज़ाम के लिए सिर्फ इसको लेके देख लो मेरे कहने पे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ऑनलाइन करो, ऑफलाइन मत करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, टारगेट क्वेश्चन।
मैंने आपको पहले ही एग्जाम के अंदर बता दिया था ना कि जो आपका एग्जाम है उसके अंदर आपको सब कुछ तो करना नहीं है ना, सब कुछ तो करना नहीं है। 200 में से मैं मान के चलता हूँ 102.81 हाईएस्ट कट ऑफ गई थी ना यूके की, मेंस ऑफिसर स्केल की बात कर रहा हूँ और मेंस की। तो मैं तो ये मान लेता हूँ कि मेरा एग्जाम थोड़ा इजी आ गया, मेरी कट ऑफ गई 115, 115 कट ऑफ गई है। तो आप देखो 200 में से आपको 115 नंबर ही तो लाने हैं ना। 115 नंबर लाने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करना। सबसे बड़ी गलती बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, अगर वो क्वांट को पकड़ लेते हैं ना क्वांट को, तो कई बार उनकी ईगो सामने आ जाती है कि जो ये क्वेश्चन है यार ये तो मैंने करा हुआ है, तो मैं करके ही छोड़ूंगा। जब वो उस क्वेश्चन में 5-10 मिनट वेस्ट कर दें, लेकिन उसको करके छोड़ते हैं। आपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं टाइम कितना वेस्ट कर दिया उसमें, बहुत ज़्यादा। तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है और कौन सा नहीं करना है, कौन सा करना है कौन सा छोड़ना है। मेन आपका टारगेट ही होना चाहिए ना, कौन सा मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में और कौन सा मुझे क्वेश्चन छोड़ना है। ठीक है, तो टारगेट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, वो आपको अपने माइंड से एग्जाम के अंदर सोचना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेगा, और क्वेश्चन देख के आप समझ जाते हो कि ये मेरे से सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो आपको अपने ईगो को साइड रख के उस क्वेश्चन को या तो करना है या उसको लीव करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मेरे पास, जैसे मेरे पास डीआई हो गया, पजल हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, इनको जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको ज़्यादा टाइम देना है। डीआई, एक डीआई को सॉल्व करने में आप शुरू में 15 मिनट लगाओ, उसके डाटा को अच्छे से समझो, क्या कहना हो क्या चाहता है, मैं इस चीज़ को किस और तरीके से कर सकता हूँ ये भी समझो, कि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसको मैं किसी और वे में भी कर सकता हूँ क्या सॉल्व, जो मुझे टीचर ने पढ़ा दिया ठीक है, लेकिन क्या मैं इसे किसी और तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करो। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स से पूछे जाने हैं ना, डीए आपको पता है 20 से 22 मार्क का, ये दोनों मिला के 20 से 22 मार्क के, सिलॉजिज्म 5 मार्क का, क्वाड्रेटिक 5 मार्क का, नंबर सीरीज 5 मार्क्स के लगभग, इनइक्वालिटी 5 मार्क्स के, तो ये सब क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के पूछे जा, अच्छे मार्क्स के पूछे जाने हैं। तो आप इनके ऊपर टाइम दो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि मैं इसको किस और तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, या अगर वो एग्ज़ाम में इस तरीके से चेंज कर देगा तो मैं क्या करूँ, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे प्रैक्टिस के टाइम कर सकते हो। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चंस वाइजली, सॉल्व पेपर वाइजली, सॉल्व पेपर वाइजली। इससे क्या मतलब है मेरा वाइजली से, वाइजली आपको मतलब बुद्धिमानी से आपको सॉल्व करना है पेपर। बात वही है क्या करना है और क्या छोड़ना है, मेन चीज ये है क्या करना है और क्या छोड़ना है एग्जाम में। जिस बच्चे को ही मैंने अपना जो मॉक टेस्ट की वीडियो बनाई हुई है क्वांटिटेटिव मॉक टेस्ट की, उसके अंदर ही मैंने इस चीज़ के ऊपर जोर डाला है, मैंने आपको बताया कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था एग्जाम में या नहीं करना था, आप देख सकते हो उस वीडियो को भी। तो मेन आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे ये वीडियो करनी है और मुझे ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना, करना है या नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन आपको 110 मार्क्स के ही सॉल्व करने हैं एग्जाम में। सिलेक्शन लेने के लिए 110 मार्क्स के बिल्कुल सही क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर देते हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको बस एग्जाम में यही देखना है कि मुझे कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कौन से नहीं करने, ठीक है ना। और एक और स्मार्ट वर्क क्या हो सकता है आपका, कि जैसे जो आपकी जीके है, करंट अफेयर्स हैं, इनको आप कोशिश करो मॉर्निंग में पढ़ने की। मॉर्निंग में आपका क्या होता है ना, माइंड फ्रेश होता है, तो माइंड फ्रेश से आप ये चीज़ें याद करने वाली है ना, तो आपको इजीली याद हो जाएंगी। 12 से 4 मैंने आपको मैथ्स क्वांट्स क्यों कहा है पता है, 12 से 4 जब आप खाना खा लोगे 12 बजे करीब, तो आपको नींद आती है, नींद को भगाने के लिए मैथ्स सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आ जाता है तो आपको नींद नहीं आएगी, तो 12 से 4 इसलिए हमने मैथ्स का टाइम रखा है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आपको करने हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। स्मार्ट वर्क आपको करना है, हार्ड वर्क भी करना है। हार्ड वर्क कहाँ करना है आपको, ये तो आपका स्मार्ट वर्क है ना, हार्ड वर्क कहाँ करना है आपको, हार्ड वर्क करना है आपको नोट्स बनाने में। और नोट्स बनाने में आपको, मैं आपको क्या बताया था किस बच्चे का सिलेक्शन होता है, जो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करता है, ठीक है ना। तो नोट्स बनाने में आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो आपको सारा डाटा, जो मैंने आपको स्टैटिक जीके के नोट्स बनाना बताया, उसके लिए आपको सारा डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा,
लेकिन उस डाटा को किस वे में आप कॉपी पे नोट करना है, किस वे में आपको नोट करना है, वो आपका स्मार्ट वर्क कहलाएगा। करंट अफेयर तो आपको पढ़ने हैं, वो आपका हार्ड वर्क है, लेकिन करंट अफेयर को किस तरह नोट्स बनाने हैं। और मैंने आपको जैसे बताया ना विराट कोहली के बारे में बताया, तो विराट कोहली के साथ मैंने आपको रॉजर फेडरर के बारे में बताया, उसके बाद स्विट्जरलैंड के बारे में बताया। तो ये आपका क्या है, स्मार्ट वर्क है। ये आपका हार्ड वर्क था विराट कोहली, ये आपका स्मार्ट वर्क है। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एग्जाम में रखना है तो आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या फाइनल टॉपिक हमारा आज के वीडियो का, रियलिस्टिक अप्रोच टू एग्जाम। मतलब क्या है इस चीज का, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमें एग्जाम में एक्चुअली में जो कितना टाइम किस फील्ड को देना है, मतलब कितना टाइम कौन से जो आपका टॉपिक है या जो आपका सब्जेक्ट है उसको कितना टाइम आपको एग्जाम में देना है, सॉल्व करते वक्त आपको कितना टाइम उस सब्जेक्ट को, प्रॉपर सब्जेक्ट को देना है, मतलब क्वांट्स को कितना टाइम देना है, कौन कौन से क्वेश्चन के ऊपर आपको फोकस करना है पहले, वो सिर्फ हम चीज़ें देखेंगे, कितने मार्क्स आपको टारगेट करने, क्या करना है, ठीक है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी वीडियो की ये भी है, पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी, है ना, और जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर। अभी हम बात कर रहे हैं मेंस की, प्री के लिए कुछ नहीं, प्री के लिए मैं बता दूंगा मैं आपको थोड़ा सा, लेकिन मेंस के लिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो क्वांट्स आपको पता है सबके 40-40 क्वेश्चन हैं इनमें, अब आप मुझे एक बार बताओ, पहले मैं बात करता हूँ जीए की, 40 क्वेश्चन जीए के आपको देखने में कितना टाइम लगना चाहिए, 10 से 12 या 15 मिनट मैक्सिमम आपको लगना चाहिए। क्यों, क्वेश्चन के अंदर ऐसे आते हैं आपको एक लाइन पढ़ के पता चल जाता है जो करंट अफेयर वाले हैं उसके अंदर पूछना क्या चाहता है, ठीक है ना। आपको अपनी रीडिंग स्पीड आपकी बढ़ चुकी है आपको 10 से 12 मिनट के अंदर, क्योंकि जीके में क्या होता है, या तो क्वेश्चन आता होगा या नहीं आता होगा, उसमें कोई दिमाग वाला लगाने वाली बात तो है ही नहीं, या तो आता होगा या नहीं आता होगा, आपको फटाफट से टिक मारना है, आता है तो, नहीं आता है तो, आता है तो, नहीं आता है तो, ठीक है। इतना टाइम तो आपको जीके को देना है, और कितने क्वेश्चन आपको इसके अंदर वो करने हैं टारगेट, अराउंड कितने करने हैं, आप मान के चलो 30 क्वेश्चन तो आपको टारगेट करके चलने हैं, कि 40 में से 30 क्वेश्चन कर दूं, कैसे होगा, अगर आपको 6 महीने के करंट अफेयर आपने पढ़ रखा है और जिस वे मैंने बताया आपको उस वे में पढ़ रखा है, बिजनेस अवे बैंकिंग अवेयरनेस की आपने जो PDF मैंने आपको बताई कैप्सूल वो आपने पढ़ रखी है, स्टैटिक जी के जैसे मैंने आपको बताई वैसे आपने पढ़ रखी है, तो मैं 30 नंबर तो आपको कम ही कह रहा हूँ, आप 35 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करोगे जिस वे में मैंने आपको बताया, अगर वैसे आप पढ़ रहे हो तो, करंट अफेयर 6 महीने के, स्टैटिक जी के और बैंकिंग अवेयरनेस जिस वे मैंने आपको बताई है उस वे में पढ़ रहे हो तो ईजिली 30 क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे, 35 आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस थोड़ी मेहनत और करोगे तो कर सकते हो, 30 तो करोगे करोगे 30 क्वेश्चन। आपको पता है जीए के क्वेश्चन तो आते हैं तो आपके शॉर्ट शॉर्ट नंबर है, एक नंबर पूरा है, तो 30 मार्क्स तो ये आपके आने आने। कंप्यूटर मैंने जिससे आपको बताइए 15-20 दिन जो आपको एक घंटा देना है आज से लेकर मेंस तक में, तो 40 क्वेश्चन में से आप कुछ नहीं 30 से 35 क्वेश्चन तो इतने ईजी होते हैं, इतने ईजी होते हैं कि बेसिक कंप्यूटर जिसको पता है वो भी कर देता है। तो मैं तो मान के चलता हूँ सिर्फ 30 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे जिसके मार्क्स कितने हो गए 15 मार्क्स, बिल्कुल रियलिस्टिक वे है। अभी भी 30 क्वेश्चन आराम से करने हैं आपको और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से करने हैं कंप्यूटर में। इंग्लिश कई बच्चों को थोड़ा डर लगता है, इंग्लिश में तो कुछ थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो मैं मान के चलता हूँ कि 22 क्वेश्चंस, 40 में से 22 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो अगर आप रीडिंग और वोकैब अपनी अच्छे से कर रहे हो, ग्रामर को आप छोड़ भी देते हो तो भी रीडिंग और वोकैब के बेस पे आप 22 क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हो, 22 क्वेश्चन का मतलब 22 मार्क्स आपके हो गए। बात करते हैं रीजनिंग की, जिस वे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और जिस मैं आपको बता रहा हूँ, इनइक्वालिटी हमने करी हुई है, सिलॉजिज्म आपने करा हुआ है, पजल हमने करा हुआ है, इनपुट आउटपुट हमने करा हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट हमने करा हुआ है, ठीक है, रैंकिंग हमने करा हुआ है, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस हम कर लेंगे। तो इतने टॉपिक आप मेरी वीडियो देख के भी चले जाओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 32 क्वेश्चन आप बहुत प्यार से इसके सॉल्व कर दोगे, क्योंकि जो आपके
आईबीपीएस आरआरबी में जो पजल्स वगैरह आते हैं ना, बहुत ईजी आते हैं वो। मतलब थोड़ा बेसिकली आप स्टैंडर्ड वे में चलते रहोगे, आपके सॉल्व होते रहेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। टाइम की भी हम बात करेंगे, कितना कितना आपको टाइम देना है। पहले हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 40 में से आपको 32 क्वेश्चन टारगेट लेके चलने हैं। मैं आपको टारगेटेड क्वेश्चन बचा रहा हूँ, 22 क्वेश्चन टारगेट लेके चलने, 30 क्वेश्चन टारगेट, 30 क्वेश्चन टारगेट, यहाँ पे 32 क्वेश्चन। क्वांट्स थोड़ा बच्चों को वहाँ पे दिक्कत आती है उनको कैलकुलेशंस के अंदर ना, तो मैं मान के चलता हूँ आप 25 क्वेश्चन तो फिर भी कर सकते हो। 40 में से 25 क्वेश्चन बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच है, आराम से आप 25 क्वेश्चन मार सकते हो। अगर आप जो मैंने आपको मेथड बताया है, अपना 45 डेज प्लान बताया और आपको डेली वाला प्लान बताया, उस हिसाब से आप चलो मॉक टेस्ट करो। मॉक टेस्ट के लिए हमारे पास टाइम है, सब कुछ टाइम है, तो 25 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो। कुछ नहीं करो, डीआई पकड़ लो, नंबर सीरीज जो मैंने आपको तरीका बताया है इजीली सॉल्व कर सकते हो, परसेंटेज पकड़ लो, ठीक है, और क्वांटिटी वाले क्वेश्चन पकड़ लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ लो, ठीक है ना, तो इजीली कर लोगे 25 क्वेश्चन। अब हम मार्क्स की बात करते हैं, 25 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे आपके मार्क्स कितने बनेंगे, 31.25 पर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है, 25 × 1.25 करोगे तो 31.25। 32 को अगर 1.25 से करोगे तो देखो कितना आएगा, 32 × 1 32.25, मतलब 1/4 से करोगे तो 8, मतलब 40 मार्क्स ही है। इंग्लिश के अंदर 22 मार्क्स, जीए के अंदर 35 और कंप्यूटर में 15। अब मैं अगर इसको जोड़ दूँ, इन सबको मैं प्लस कर दूँ तो चलो इनको हम प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखो 35 और 15 हो गए आपके 50, 40 और 22 हो गए आपके 62, ठीक है, 31.25 और ऐड करने हैं आपको इसके अंदर, तो कितना आ गया, 9 और 5 14, 143.25 है ना, 143.25। लेकिन मुझे अपने मार्क्स तो लेने ही नहीं, मुझे तो 110 से 115 पे मेरा सिलेक्शन है, 110 से 115, 102.81 तो हाईएस्ट गई थी मेरे पास पिछले साल, तो 110 से 115 मतलब अभी इसमें 30 नंबर आप कम कर सकते हो ना। तो आप क्या कर सकते हो, देखो हमने वैसे तो प्लान बताया और रियलिस्टिक है, लेकिन स्टिल आप क्या कर सकते हो, आप सपोज कर सकते हो आप अपने 20 मार्क्स को और कम करने का टारगेट कर सकते हो, तो कंप्यूटर में 15 मार्क्स आएंगे आप इसमें कर सकते हो, 35 को हमने माना है 30 कर सकते हो, 5 नंबर यहाँ कम कर सकते हो, इंग्लिश में आप 20 कर सकते हो, 2 नंबर यहाँ, 40 में से 20 तो करोगे ही करोगे अगर आप इतनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो। रीजनिंग के अंदर आप कम कर सकते हो 2-4 क्वेश्चन, 28 मान के चलो, जिस हिसाब से मैं आपको प्रिपरेशन करने के लिए कह रहा हूँ उस हिसाब से करते हो तो 28 तो गारंटेड मानोगे, 25 के आप 23-22 कर सकते हो, ठीक है, तो एवरेज मिला के लगभग 125 के अराउंड आ जाएगा। अभी भी कुछ अगर आप मानते हो कि एक आध क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, नेगेटिव में चला जाते हैं, 5-1 मार्क्स आप नेगेटिव में हटा दो, तब भी आप 120 मार्क्स आराम से ला सकते हो, आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच मैंने आपको बताई है एग्जाम की, बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच, इतने क्वेश्चन 40 में से 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के बहुत आसान से मार सकते हो, क्योंकि मैंने खुद ये क्वेश्चन खुद ये पेपर दिए हुए हैं, सिलेक्शन भी हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं। जीए में 40 में से 30 क्वेश्चन बहुत आराम से मार सकते हो, अगर करंट अफेयर 6 महीने के और स्टैटिक जीके और बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे हो तो। इंग्लिश में 40 में से 22 या 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, रीजनिंग में 40 में से 28 से 32 क्वेश्चन आराम से, क्वांट के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो 40 में से। आपको कोशिश और ये करना है कि आप क्वांट और रीजनिंग के अंदर थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि क्वेश्चन जो है 1.25 मार्क का एक। अब हम थोड़ा टाइम की बात कर लेते हैं, किस टॉपिक को आप कितना टाइम दे सकते हो, और प्री के लिए भी एक छोटी सी स्ट्रेटेजी हम देख लेते हैं। बात बिल्कुल हम रियलिस्टिक वे की कर रहे हैं, तो सुबह 7 बजे से आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है। सुबह 7 से पहले आपको क्या करना है, थोड़ी देर प्राणायाम और योगा, ताकि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स रहे, डीप ब्रीथिंग, ठीक है। टाइम देखो, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश या हिंदी और जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर, 10 से 12 मिनट आपको इसको देने हैं, 10 से 12 मिनट आपको इसको देने हैं। क्वांट्स और रीजनिंग की बात करते हैं, क्वांट्स और रीजनिंग को आपको ज़्यादा टाइम देना है। क्यों ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है,
तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, अगर मैं अपना एक टारगेटेड लेके चल रहा हूँ 28 क्वेश्चन सपोज करो, तो मेरे को 28 क्वेश्चन करने के लिए 35 मिनट्स बहुत हैं, बल्कि 30 मिनट्स ही बहुत हैं। क्यों? क्योंकि 5 मिनट के अंदर मैंने जैसे आपको पढ़ाया इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म, आपके 5 मिनट के अंदर दोनों 5-5 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस 3-3 या जितने भी क्वेश्चन आते हैं ईजिली 3-4 मिनट के अंदर हो जाएंगे। बचे हुए टाइम में आप पजल सॉल्व करो तो 35 मिनट के अंदर 28 से 30 क्वेश्चन बहुत प्यार से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वांट्स को भी कम से कम 35 मिनट तो देने ही देने हैं। 35 मिनट के अंदर मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ 20 ही क्वेश्चन सॉल्व करो, टारगेटेड क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। आपको 20 क्वेश्चन का 35 मिनट आपको देख लेना है टाइम कि मेरे को 35 मिनट देने हैं। 2 घंटे आपके पास हैं, 120 मिनट टोटल आपके पास है। टाइम चलना शुरू होएगा ये 120 मिनट से कम होता जाएगा, ठीक है ना, एग्जाम में जो वॉच होगी। तो आपको लगा लेना है 35 मिनट पे मेरे को क्वांट्स के अंदर 20 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व हो जाने चाहिए। 25 हो जाते हैं बहुत अच्छा है, 22 हो जाते हैं बहुत अच्छा है। और जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो शॉर्ट शॉर्ट, आपको पता होना चाहिए कि सही है, ठीक है ना। जो आपने आंसर निकाला है आपको पता होना चाहिए कि ये सही है। तो 35 मिनट के अंदर आपको 20 से 22 क्वेश्चन टारगेट करने हैं, रीजनिंग में 28 से 30 क्वेश्चन टारगेट करने हैं। तो 35 और 35 70 मिनट तो ये चले गए, ठीक है। 12 और 12 मान लेते हैं हम, 12 और 12 आपने दिए तो 24 मिनट आपके ये चले गए। 70 और 24 कितने हो गए, 94 मिनट। कितने मिनट रह गए, 26 मिनट। 26 मिनट आपको किसको देने, इंग्लिश को। 26 मिनट के अंदर इंग्लिश को अगर आप देते हो तो 26 मिनट के अंदर कुछ नहीं, 20 से 22 23 क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाओगे ना 26 मिनट के अंदर। एक मिनट से भी ज़्यादा हम आपको एक क्वेश्चन के लिए दे रहे हैं इंग्लिश में, तो ईजिली कर पाओगे। किसी बच्चे की इंग्लिश अगर अच्छी है तो वो जो टाइम आप बचाएगा वो रीजनिंग या क्वांट्स में दे सकता है। मैं आपको प्रीफर करूँगा आप रीजनिंग में देना, क्योंकि रीजनिंग में अगर आप 3-4 मिनट के अंदर एक पजल भी सॉल्व कर पाते हो तो 5 क्वेश्चन होते हैं लगभग एक पजल पे। 5 क्वेश्चन का मतलब 5 नंबर नहीं, 5 × 1.25 तो लगभग 7.5 नंबर आपने और ले लिए इंग्लिश में। और सबके अंदर सेक्शनल कट ऑफ भी है ना, तो सेक्शनल कट ऑफ लेकिन चिंता मत करना बहुत ज़्यादा नहीं होती, 4-5 नंबर जाती है सेक्शनल कट ऑफ, तो 4-5 नंबर तो सब में आ ही जाने आपके। सेक्शनल कट ऑफ की चिंता मत करना। अगर आपको लगता है इंग्लिश आपसे सिर्फ 18 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, 18 ही करो, बाकी का टाइम आप रीजनिंग को दे दो। तो जो क्वेश्चन अब यहाँ कम होंगे आपके वो यहाँ पे आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ये बिल्कुल रियलिस्टिक प्लान आपको मैंने बता दिया है मेंस के लिए। छोटा सा एक प्री के लिए भी देख लेते हैं, प्री के लिए आप क्या कर सकते हो। प्री के लिए देखो, अच्छा ये जो चीज़ हमने ऑफिसर स्केल वन, ये आप ऑफिसर स्केल वन में भी यूज करते सकते हो और ऑफिस असिस्टेंट में भी, कि पैटर्न दोनों का सेम ही है एग्जाम का। ऑफिस असिस्टेंट में तो और इजी एग्जाम और इजी क्वेश्चंस आते हैं ना पजल वगैरह के, तो ऑफिस असिस्टेंट में आपको बताऊँ आप रीजनिंग के 40 के 40 क्वेश्चन टारगेट करके चलना, और सच बता रहा हूँ बहुत ईजी तरीके से हो सकते हैं 40 के 40, और क्वांट्स के अंदर 30 क्वेश्चन टारगेट करके चलना आराम से कर सकते हो। अगर थोड़ी प्रैक्टिस जिस हिसाब से मैंने बताया उस प्लान को फॉलो करोगे आराम से कर सकते हो, तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। प्री के अंदर सिर्फ 2 सेक्शन है, क्वांट्स और रीजनिंग, ठीक है ना। तो आपको कितना कितना टाइम देना है दोनों में, 45 मिनट्स आपके पास कुल 80 क्वेश्चन के लिए, 80 क्वेश्चन के लिए। तो आपको 20 मिनट तो इसको देने हैं और 25 मिनट देने हैं क्वांट्स को, कुछ ज़्यादा तो 25 मिनट क्वांट्स को देने हैं और 20 मिनट रीजनिंग को। बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपके अंदर नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, 45 मिनट्स ही हैं। कोशिश करो 25 मिनट क्वांट को दो और 20 मिनट रीजनिंग को। इस 20 मिनट के अंदर 40 में से आप 30-35 क्वेश्चन एक टारगेट करके चलो। जो लेवल आपका प्री के अंदर आएगा, चाहे वो ऑफिसर स्केल वन का हो चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट का हो, बहुत इजी लेवल आएगा। 20 मिनट के अंदर 30-35 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, बशर्ते आपको जो प्लान हमने बताया उसको फॉलो करना पड़ेगा। पजल सिटिंग अरेंजमेंट आपको कम से कम डेली करनी ही करनी है, और इनइक्वालिटी और सिलॉजिज्म और इनपुट आउटपुट आपको कोशिश करनी है कि डेली करना ही करना है, ठीक है ना। तो 30 से 35 क्वेश्चन 20 मिनट में, 25 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन आपको
कम से कम टारगेट करने ही करने हैं 40 में से। और जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं प्री के अंदर आप इजीली कर सकते हो, मॉक टेस्ट करोगे आप अपने आप समझ जाओगे। मॉक टेस्ट लेकिन आपको कब करना है, जब आप जो हमने प्लान बताया 45 डेज और 40 डेज वाला वो आप कंप्लीट कर लोगे। पहले मॉक टेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक आपको प्रैक्टिस ही नहीं है तब तक आप मॉक टेस्ट करके क्या करोगे। कुछ बच्चे जिनको जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है पिछले एग्जाम्स के लिए वो कर सकते हैं शुरू मॉक टेस्ट लगाना, लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश प्रिपेयर शुरू कर रहे हो करना तो आप अभी मॉक टेस्ट मत करना। अभी आप अगर मॉक टेस्ट करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और एक बात और, मॉक टेस्ट को आप ज़्यादा सीरियसली मत लेना। अगर आप मॉक टेस्ट के अंदर 80 में से 40 मार्क्स या 45 या 50 मार्क्स ले रहे हो तो आप ज़्यादा उसको मत सोचना। क्यों, आपको रीज़न बताता हूँ। जो भी कंपनीज या जो भी वेबसाइट से मॉक टेस्ट बना रही हैं ना, जो भी वेबसाइट जो है मॉक टेस्ट बना रही है, उन वेबसाइट्स को अपने आप को अच्छा दिखाना है। इतनी सारी वेबसाइट्स नेट पे आ गई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको पता है कितनी सारी वेबसाइट्स वगैरह जो नेट पे आ गई हैं आजकल जो मॉक टेस्ट बना रही हैं, बच्चों को टेस्ट सीरीज बेच रही हैं। वो चाहते हैं कि मेरी टेस्ट सीरीज खरीदे क्योंकि मैं मुश्किल से मुश्किल उसमें क्वेश्चन डाल रहा हूँ, लेकिन एग्जाम से तो रियलिटी नहीं है ना। और एग्जाम में इतना मुश्किल एग्जाम क्वेश्चन नहीं आता, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते जितने आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे, ठीक है ना। मैंने अपनी लाइफ में एक भी मॉक टेस्ट पूरा नहीं दिया है, एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया। उसका रीज़न सिर्फ यही था, मॉक टेस्ट मैंने जब शुरू में एक दो दी कोशिश करी देने की तो मैं उनको और दे के डिमोरलाइज हो जाता था शुरू में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। क्यों, क्योंकि मुझे लगता था यार मेरे को तो ये आते ही नहीं कॉन्सेप्ट, लेकिन एग्ज़ाम में भी नहीं आते वो, जिस तरह के क्वेश्चन वो डाल देते हैं उस तरह के एग्ज़ाम में नहीं आते। इसलिए तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पहले करो, उनका कॉन्सेप्ट समझो, उनका तरीका समझो कि क्वेश्चन किस तरह के दिए जाते हैं एक्चुअली एग्जाम्स में, है ना। तो वेबसाइट्स वगैरह क्या करती है, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के लिए अपनी टेस्ट सीरीज को मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन डाल देती हैं, लेकिन उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आते हैं, ईजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा करना है, सम अप कर लो एक बार पूरा। मैंने आपको पैटर्न बता दिया पढ़ने का, कितने बजे से 7 से 10 क्या करना है, 12 से 4 क्या करना है, 6 से 9 क्या करना है, फिर 10 से 11 क्या करना है। आप चाहो तो इसके अंदर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो, किसी की अगर क्वांट्स अच्छी है तो उसको 3 घंटे दे सकता है, रीजनिंग अच्छी है तो रीजनिंग को 2 घंटे दे सकता है, किसी अंदर इंग्लिश अच्छी है इंग्लिश, उस हिसाब से आप अपना एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आप प्रिपरेशन करते रहो, हम इस तरह के वीडियोज आपके सामने लाते रहेंगे। अब हम जो वीडियोज लाएंगे कोशिश करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम पहले कवर कर लें ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सको, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।